गुड इवनिंग एवरीवन। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देख लो बाबू, रोटी बनाना, लेकिन सब्जी देख लेना, दाल तो तुम लाए ही नहीं ना। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, ये सर आ रही है सर आ सर। रही है सर आवाज। ओके, शेयर हो रही है स्क्रीन? ये सर हो रही है सर। दो तीन डाउट थे सर। सर ठीक है, बात कर लेते हैं अभी। एक्चुअली एक्चुअली स्क्रीन नहीं आ रही है सर मेरे में। एक मिनट, सबको आ रही है स्क्रीन? हेलो, यस सर यस आ सर रही है आ रही है सर। सर। ओके, आपकी मेरे को नहीं आ रही है। सर ना एक बार फिर से ज्वाइन करो, हो जाए शायद। ओके सर। सर आ रही है ना सब स्क्रीन? हेलो, स्टार्ट करें। हेलो, हाँ सर। यस सर, यस सर, ओके। चालू करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा एक बार पीछे का रिव्यू देख लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा। हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस थोड़ा सा देखी थी स्क्रू थ्रेड्स के बारे में, फिर हम लोगों ने थ्रेडेड अनथ्रेडेड फास्टनर्स देखा था, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेड्स देखा था, जिसपे एनसी एनएफ, यूएनसी यूएनएफ। फिर हम लोग क्लासेस ऑफ फिट के बेस पे देखे थे, जिसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4 फिट थे, ठीक है ना। फिर हम लोग टर्न के अकाउंट भी देखे थे कि राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड थ्रीड है, क्या है उसके बारे में। फिर बोल्ट के बारे में हम लोगों ने देखा कि 3 तरह के बोल्ट मोस्टली आ रहे हैं अभी यहाँ पे, जो एनएस बोल्ट है, एनएस बोल्ट है, एमएस बोल्ट है, क्लोज टॉलरेंस बोल्ट है, जनरल पर्पज बोल्ट है। यही मोस्ट बेसिक बोल्ट है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल गया था, ये वाला एरिया।
यही था। फिर हम लोगों ने देखा था कि एक स्पेशल टाइप का बोल्ट होता है, उस पे एस स्टाम्प होता है। फिर हमने देखा कि एन बोल्ट के हेड स्टाइल्स क्या है, हेड हेक्स, क्लेविस, आई बोल्ट। फिर एनएस बोल्ट पे भी देखा था कि इसके हेड किस तरह का शेप में होता है, हेड हेक्स, इंटर रेंचिंग, काउंटर चैंग। फिर एमएस बोल्ट पे भी देखा, हमने बताया था ये वाला पूरा लाइन आपके पेपर में आ चुका है, तो इसको मार्क करना साइड में जस्ट, कि ये पूरा एम में है और पूरा लाइन आपको याद होना चाहिए। फिर आइडेंटिफिकेशन एंड कोडिंग के बारे में हम लोग बात किए थे, ठीक है सर, आवाज कट कट के आ रही है सर, फिर से बताना सर। स्क्रीन हो रही है सर, एक बार इसको रिवाइज करा दो ना। एक मिनट, अभी आवाज आ रही है क्या? हेलो, अभी ठीक है? आवाज आ रही है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? सबको नहीं हो रही है? नो सर, कुछ नहीं दिख रहा है सर। दिख रहा है पर प्रॉपर नहीं दिख रहा है सर। एक मिनट आप रुक जाओ, मैं बंद करता हूँ। नेटवर्क का यहाँ पे इशू बहुत है यार, जब सिटी में होने के बावजूद भी ये इस तरह की दिक्कत आ रही है। सर मीट बढ़िया था, गूगल मीट बढ़िया था सर। हेलो, हेलो। यस हाँ सर, सर एक बार रिवाइज करा दो ना ओवरऑल। ठीक है मैं करा देता हूँ। ठीक है, सर एक डाउट था सर। हाँ ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं। आप पूछो, आपका डाउट क्या है बताओ। सर वो जो जो स्टार्ट होता है ना सर, आपने बताया था सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट, ट्रिपल स्टार्ट, हाँ जो बोल रहे हैं सर, स्टार्टिंग के स्टार्ट के साथ में सर पिच भी बढ़ती है क्या सर? क्या चीज बढ़ती है? पिच पिच जो पिच होती है ना सर, थ्रेड्स की पिच जो होती है नहीं, वो डिपेंड करता बढ़ती है है क्या? वो पीस को, अलग वो पीस आपका डिपेंड करता है कि दो थ्रेड के बीच में डिस्टेंस कितना रख रहे हो। वो स्टार्ट के साथ बढ़ाएंगे घटाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से लॉकिंग रखना है, ठीक है ना। जिस तरह से थ्रेड होगा, थ्रेड के बेस पे वेरी करता है उसका, इसमें कोई रिलेशन नहीं है कि स्टार्ट के साथ पिच बढ़े, जरूरी है कि बढ़ेगी ही या फिर घटेगी, ठीक है ना, उसका इसमें कोई रिलेशन नहीं है। हम लोग बोल्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और ऐसे बोल्ट आप, हाँ बोल्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और ऐसे आप ये वाला टॉपिक कवर करना, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। स्क्रू थ्रेड वाला आप पढ़ लेना, ठीक है, इसमें और इसमें जो भी क्लियरिटी डाउट नहीं होगा है। ना। हेलो हाँ सर, इसमें क्लियर क्या नहीं बोल दिख रहे रहा है हो? जो आप इसलिए शेयर कर रहे हैं। जो आप इसलिए शेयर कर रहे हैं क्लियर नहीं दिख रहा है। किसी को नहीं है क्या? हेलो, ऐसे ही दिक्कत है सबके सर साथ, स्क्रीन थोड़ा ब्लर होती है सबके सर, साथ स्क्रीन ही थोड़ा ब्लर होती है। चल क्या रहा है। टेन के क्लास में कैसा था? टेन के क्लास में सही चल रहा था क्या? सर बीच ब्लर बीच में उसमें था, भी हो रहा था बट चल तो सर सही रहा था बट ब्लर था। थोड़ा सा ब्लर था ना, इसमें स्क्रीन से यार नहीं सही है, प्रॉब्लम इस वाले ऐप पे ये चीज है। इतना क्लियर है कि मैं करा सकता हूँ, अभी पढ़ा सकता हूँ आज की क्लास? ये सर वो सर जूम बहुत करने से क्लियर, थोड़ा क्लियर हो रहा है।
तो मैं ये बोल रहा था कि थोड़ा सा आप ये कवर कर लेना, स्क्रू थ्रेड वाला पोर्शन और ये थ्रेडर फास्टनर वाला, बस यही कवर हुआ था, बोल्ट एंड स्टड एंड स्क्रू आप यहाँ तक कर लेना, ठीक है ना, एयरक्राफ्ट बोल्ट तक। और इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो मैं आप हम लोग फिर से वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं एयरक्राफ्ट बोल्ट से। तो जो भी बातें होंगी आपको जो भी डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है ना, जिनसे भी मिस हुई होगी पहली लेक्चर, ठीक। यस सर, हम लोग बोल्ट से स्टार्ट करेंगे, Aircraft bolts are fabricated from cadmium and zinc plated corrosion resistant steel and unplated corrosion resistant steel. ये वाला एरिया आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। पहले तो आप याद रखोगे क्या कि जो एयरक्राफ्ट बोल्ट हैं वो बन किससे रहे, तो कैडमियम या फिर जिंक प्लेटेड CRS से। साइड में लिख ले CRS मतलब स्टील, इसे स्टेनलेस स्टील भी कहते हैं, इसे 18-8 स्टील भी कह सकते हो, तो सब लिख सकते हो 18-8 स्टील। 18-8 स्टील अगर आप मटेरियल की रेशियो देखना चाहो तो इस तरह से, और इसे स्टेनलेस स्टील भी कहते हैं, ठीक है। तो आप CRS स्टील, कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील जिसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं या फिर 18-8 स्टील कहते हैं, इससे बनाते हैं। इसका एक और नाम है, अगर केमिकल कंपोजिशन के बेस पे नाम देना चाहो तो इसका नाम है क्रोम निकिल स्टील, क्रोम निकिल स्टील भी कहते हैं इसे। आप चाहो तो लिख सकते हो, वरना हम लोग पढ़ेंगे फेरस नॉन फेरस में, फेरस में पढ़ेंगे इसको। इसे क्रोम निकिल स्टील भी कहते हैं। क्रोम को पहले इसलिए लिया गया क्योंकि ये 18% होता है और निकिल की रेशियो 8% होती है, इसलिए इसे 18 स्टील कहते हैं। कि क्रोम कितना है इसमें 18% और निकिल कितना है 8% है, इनका यही रेशियो है, इस वजह से इसका नाम है 18-8 स्टील या फिर CRS स्टील या फिर आप क्या बोलोगे क्रोम निकिल स्टील, सिंपल। इतने सारे नाम हो गए, तो अभी यहाँ पे इन्होंने बस स्टील रेजिस्टेंस स्टील बोला है, तो स्टील और आप देख रहे हो एल्युमिनियम वाला है, दो ही आपको नाम मिल रहे हैं ना, या तो स्टील का बना होगा आपका बोल्ट या फिर एल्युमिनियम अलॉय का, ठीक है ना। एल्युमिनियम नहीं, प्योर नहीं बोलोगे, समझ रहे हो ना, केवल एल्युमिनियम नहीं बोलोगे, केवल एल्युमिनियम बोलोगे तो आप गलत हो जाओगे, ठीक है ना। किस तरह से गलत हो जाओगे, क्योंकि एल्युमिनियम स्ट्रेंथ नहीं होती है, एल्युमिनियम बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है ना, और सॉफ्ट चीजों में स्ट्रेंथ नहीं होती है, ठीक है, वो खराब हो जाएगा तुरंत। तो आपको एल्युमिनियम में मिक्सर करना जरूरी है, मतलब कि उसका एलॉय बनाना जरूरी है। एलॉय तब कहते हैं जब उसमें अलग अलग कंपाउंड मिलाना पड़े, अलग अलग मेटल मिलाना पड़े, लेकिन मेजोरिटी में एल्युमिनियम होगा इसलिए एल्युमिनियम अलॉय कहेंगे, समझ रहे हो ना। मतलब मेजर क्वांटिटी में एल्युमिनियम होगा, अदर अदर क्वांटिटी में थोड़े थोड़े अलग मेटल भी होंगे जिससे इसकी स्ट्रेंथ बदल सके, इसे एल्युमिनियम अलॉय कहते हैं। तो एल्युमिनियम एलॉय को बनाएंगे, ठीक है, या फिर स्टील से हम बनाएंगे बोल्ट। अब कितने तरह के स्टील ले सकते हैं, तो वही इन्होंने लिख दिया कि CRS स्टील जो है उसका यूज करते हैं। CRS स्टील क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील, जिसे हम लोग स्टेनलेस स्टील कहते हैं। तो कई तरह के स्टील बन सकते हैं, कुछ स्टील ऐसा होगा जो कि कोरोजन रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कुछ स्टील ऐसे होंगे जिनमें कोरोजन रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, हो सकता है कुछ स्टील ऐसे होंगे जो भी बहुत कम होगा, लेकिन आपको उस तरह का स्टील लेना है जिनके पास कोरोजन रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी है, इसलिए वैसे स्टील को हम लोग CRS स्टील कहते हैं, और इसे स्टील को ही हम लोग कहते हैं स्टेनलेस स्टील, या फिर इस स्टील को ही हम लोग कहते हैं क्रोम निकिल स्टील या फिर 18-8 स्टील, ये सारा नाम है इनका, ठीक है ना। अब ये जो स्टील है ना, आप बोलोगे कि कोरोजन रेजिस्टेंस वेदर कंडीशन में फ्लाई कर रहा होता है, ठीक है, तो इसको कोरोजन रेजिस्टेंस होना जरूरी है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब क्या है, एयरक्राफ्ट क्या है कि एयरक्राफ्ट अलग अलग मेटल से कॉन्टेक्ट करते हैं, तो आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, टीचर्स ने आपको बताया होगा डिसिमिलर मेटल कोरोजन, जब अलग अलग मेटल के कॉन्टेक्ट में आएगा एयरक्राफ्ट तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम आ जाती है डिसिमिलर मेटल वाली। अगर अलग अलग मेटल से कई मेटल कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि एल्युमिनियम स्टील से कॉन्टेक्ट किया, स्टील एल्युमिनियम से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे कोरोजन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। सेम मटेरियल होगा तो कोरोजन वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो कभी कभी ये होता है कि हम लोग स्टील का बोल्ट ले लेते हैं, लेकिन जो हमारा नट होता है ना वो एल्युमिनियम एलॉय का होता है, तो समझ रहे हो, स्टील का तो नट है, बोल्ट है सॉरी, और नट क्या यूज कर लिया, एल्युमिनियम एलॉय का, तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर स्टील के बोल्ट को,
क्योंकि डिसिमिलर मैटर वाला भले इसके पास कोरोजन रेजिस्टेंस वाले प्रॉपर्टी है लेकिन कुछ टाइम इंटरवल पे इसको भी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, और एल्युमिनियम से बहुत तेजी से ये खराब होता है, एल्युमिनियम को कम हानि होती है, स्टील को ज्यादा दिक्कत हो जाती है एल्युमिनियम से। इसलिए स्टील पे हमें एक अलग से सेफ्टी देना जरूरी है, उस सेफ्टी को कह लेते हैं या फिर उस प्लेटिंग को कहते हैं कैडमियम प्लेटेड या फिर जिंक प्लेटेड कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील। समझ रहे हो, इस एल्युमिनियम से या डिसिमिलर मेटल कोरोजन बचाने से, उससे बचाने के लिए हम लोग स्टील पे क्या देते हैं, कैडमियम की प्लेटिंग या फिर जिंक की प्लेटिंग देते हैं। अगर आप कैडमियम की प्लेटिंग दोगे तो वो बहुत बेहतरीन प्लेटिंग होगा जिंक प्लेटिंग से, कंपेयर टू जिंक प्लेटिंग कैडमियम प्लेटिंग कर लोगे तो वो ज्यादा ही कोरोजन रेजिस्टेंस होगा। अब जरूरी नहीं है कि हर ऐसे एरिया हम यूज कर रहे हैं जहां पे हमें प्लेटिंग चाहिए चाहिए, तो जहां पे जरूरी नहीं है वहां पे हम अनप्लेटेड कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील वाला बोल्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। और जहां पे इन दोनों की जरूरत नहीं है वहां पे हम एनोडाइज्ड एल्युमिनियम अलॉय की बोल्ट यूज कर लेंगे। अब एनोडाइज्ड क्या, ये भी एक प्लेटिंग है, ठीक है, जो एल्युमिनियम पे हम लोग कर लेते हैं। एल्युमिनियम पे वैसे एल्युमिनियम अलॉय पे प्लेटिंग जो हम करते हैं वो प्योर एल्युमिनियम के करते हैं, जिसे एल्केलेट कहा जाता है। तो ये भी आपके पेपर में आया हुआ है कि जब भी आप प्योर एल्युमिनियम का प्लेटिंग देते हो एल्युमिनियम अलॉय पे तो उसे बोलते हैं एल्केलेट। और प्योर एल्युमिनियम जो होता है वो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, उसमें कोरोजन रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी होती है। तो ये लाइन से हम कई सारे क्वेश्चंस को रिलेट कर रहे हैं, तो आप जो टॉपिक आपको सही लगता है उसको मार्क करते जाओ, लेकिन जो भी हमने बोला वो हर एक लाइन पूछी गई है पेपर में आपके, और वो डीजीसीए इंटरकनेक्ट ही कर रहा है क्वेश्चन को। इसलिए आपको लगता है कि सर कभी कभी कुछ क्वेश्चन बुक से नहीं आते, वो बस रिलेट करता है चीजों को, कनेक्ट कर रहा होता है। अगर आप सोच लेते हो उस पॉइंट को इजिली कर जाते हो, फिर फंसते नहीं हो वहां पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अभी जो मोस्ट बोल्ट आ रहे हैं वो किसमें आ रहे हैं, या तो जनरल पर्पज बोल्ट है या फिर AN बोल्ट है या फिर NS बोल्ट है या फिर क्लोज टॉलरेंस बोल्ट है या फिर MS बोल्ट है, ये टाइप्स ऑफ बोल्ट है जो एक जनरली यूज हो। एक AN वाला मतलब कि आर्मी नहीं, एयरफोर्स नेवी है ना, एयरफोर्स नेवी बोल्ट है। और NAS क्या है, नेशनल एयरोस्पेस स्टैंडर्ड या फिर नेशनल एयरक्राफ्ट स्टैंडर्ड, इस तरह का बोल्ट है। और एक कौन सा बोल्ट है, क्लोज टॉलरेंस वाला बोल्ट है। और एक इस तरह का बोल्ट है जो मिलिट्री स्टैंडर्ड का बोल्ट है। इतने टाइप में हमारे बोल्ट आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें मैन्युफैक्चरर को कुछ डायमेंशन और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कुछ एक स्टैंडर्ड टाइप के बोल्ट बनाने की जरूरत पड़ जाती है। इन बोल्ट को हम लोग एक्सट्रीम इंपोर्टेंस पे यूज करते हैं। एक्सट्रीम इंपोर्टेंस मतलब कुछ अलग ही हमारे पास रिक्वायरमेंट है, मीनिंग है एक्सट्रीम इंपोर्टेंस मतलब कि कुछ अलग ही रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम लोग स्पेशली उसे बना रहे हैं, तो वो थोड़ा स्पेशल टाइप का है ना, इसलिए इस स्पेशल बोल्ट के हेड पे हम लोग एस स्टाम्प कर देते हैं, मतलब एस बना देते हैं। यही वाला क्वेश्चन मैं बता रहा था कि बीटू पेपर में आया था, मेरे पेपर में, सेशन 2 ऑफ 2022 में आया था ये, और बड़े अजीब से ये एग्जैक्ट ये लाइनिंग ही नहीं थी उसमें, बहुत घुमा के पूछा था वो क्वेश्चन। लास्ट में आपका आंसर यही होता था कि वो हमारा किस तरह का बोल्ट है, और उसमें ये मेंशन था तो मैंने इससे कैच कर लिया, मुझे वो लाइन, क्योंकि बुक में जानते हो ना कि बुक की लाइन उतनी नहीं होती, बुक इसलिए होती है थोड़ा अलग कर लेता है, थोड़ा सा वेरी कर देता है। तो ये उसमें लिखा था कि एस स्टम्पेड ऑन द हैंड, और ये लाइन मुझे मिल गई कि एस लिखा हुआ है, कुछ भी हो होगा तो वो स्पेशल बोल्ट ही, सिंपल इससे मैंने टिक कर दिया स्पेशल बोल्ट। AN बोल्ट तो होगा नहीं, इसी तरह का ऑप्शन था AN MAS, आप आराम से पकड़ लोगे, तो ये ऑप्शन था। तो इस वाले एरिया में केवल बस यही बचा था जो क्वेश्चन में नहीं आया था, और ये B2 के पेपर ने फाइनल कर दिया। तो ये वाला एरिया तो पूरा B2 आपके पेपर में आ गया है, चाहे आप B1 के हो B2 के हो, तो ये पूरा एरिया तो वैसे ही याद रखना है, समझ रहे हो ना, चाहे B2 के पेपर में आए हो चाहे B1 के पेपर में आए हो। अगर आपका सिलेबस कंपोजिट छोड़ के और वुडन और फैब्रिक छोड़ के अगर मेरे से सजेशन लोगे तो आप 6 B1 के भी पेपर करो तो आपका ही प्रॉफिट है, और B1 वाले B2 के पेपर करें तो उनका ही प्रॉफिट है। बस B2 वाले क्या करेंगे कि उनका कंपोजिट में ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस वुडन नहीं देखेंगे, बाकी कर लें पूरा पेपर B1 का भी, जो भी सेट है B1 में जो अपलोडेड सेट है उनको भी करो आप, आपके लिए प्रॉफिट होगा, क्योंकि सारा सिलेबस आपका सेम है, समझ पा रहे हो। अगर मेरे से पूछोगे क्योंकि मैंने किया था इसलिए मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिला, ठीक है, आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, आपका ही प्रॉफिट है, क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत होती है, सिलेबस एक ही है ना तो क्वेश्चन तो एक ही होगा ना, सिलेबस सेम है, क्वेश्चन सेम है, लेवल भी सेम है,
बस B1 के पास क्या है कि कंपोजिट एक्स्ट्रा पढ़नी है, बस वही है, तो वो आप छोड़ दो B2 वाले, बाकी क्वेश्चन कर जाओ, आपको वो भी याद रखोगे। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वेरिएशन पढ़ोगे ना, आराम से पेपर क्लियर कर लोगे, समझ रहे हो, चांसेस ऑफ पासिंग आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन को समझ जाओगे क्वेश्चन करोगे तो। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, लेकिन अभी अभी आपको नॉलेज बढ़ाना है, मतलब कि फास्टनर जब होगा, जब मैं आपको टेस्ट ले लूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि फास्टनर्स में कौन से एरिया अच्छे से करना है। अभी तो मैं क्लास में बताता ही रहता हूँ कि जो एरिया आई हुई है उन्हें तो आप मिस बिल्कुल नहीं करोगे, बाकी जो मैं एरिया बताऊंगा उसको आपको फोकस करना है। ठीक है ना, अब ये वाली लाइन, यहाँ से दो क्वेश्चन थे मेरे पेपर में, B2 के पेपर में। ठीक है ना, एन बोल्ट कॉम्स इन 3 हेड स्टाइल, ये वाला पूछा था और ये वाला पूछा था, ये वाला टाइप का, और एक क्लोज टॉलरेंस वाला भी पूछा था, मार्किंग, तो वो ट्रायंगल होता है ना, अभी हम लोग बात करेंगे उससे। अभी देखो एन बोल्ट जो होता है वो 3 तरह की हेड स्टाइल में आता है, हेक्स हेड, क्लेविस हेड, आई बोल्ट, ये 3 तरह के हेड स्टाइल में आएगा एन बोल्ट जब भी आएगा। ठीक है ना, आप यहाँ पे देखो, अगर हेक्स हेड में आएगा तो उसका हेड किस तरह का होगा, हेक्सागोनल होगा, क्लियर हो इससे। अगर वही आई बोल्ट में आता है तो इस तरह का हेड होगा, देख रहे हो ना, ये आई बोल्ट, आई बोल्ट, हेक्स हेड बोल्ट, कहाँ पे आ गया, मॉडल 5 है ना, हम लोग यहाँ पे थे कि आपका हेक्स बोल्ट हुआ और आई बोल्ट हुआ तो इस तरह के शेप में होगा, और जस्ट क्लेविस बोल्ट होगा तो इस तरह का होगा। ये तीनों ही हेड स्टाइल ना, हेक्स हेड वाला मतलब इस तरह का स्टाइल, ये क्लेविस वाला हेड स्टाइल, और ये आई बोल्ट वाला स्टाइल, ये तीनों ही एयरफोर्स नेवी स्टैंडर्ड में आते हैं, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, क्लियर हो इतना? यस सर। ठीक है, अब NAS में आओ, नेशनल एयरोस्पेस स्टैंडर्ड। नेशनल एयरोस्पेस स्टैंडर्ड में भी 3 तरह के बोल्ट आते हैं, किस तरह के, एक हेक्स हेड वाला होगा, एक इंटरनल रेंचिंग वाला होगा, और एक क्या होगा, काउंटर संक हेड स्टाइल वाला होगा। हेक्स हेड वाला आप समझ जाओगे कि हेक्स हेड वाला मतलब कि हेक्सागोनल हेड होना चाहिए। ठीक है, काउंटर सैंक वाला बोल्ट का हेड इस तरह सा होता है, ठीक है ना, इस तरह से होता है, हेड इस तरह से होगा, ये काउंटर सैंक होता है, और इसका एंगल डिफाइंड होता है। ठीक है ना, ये आपका काउंटर सैंक हो गया। अब जो इंटरनल रेंचिंग, ये इस तरह का होगा, देखो इंटरनल रेंचिंग, इसके हेड में देख रहे हो क्या है, हेक्सागोनल मतलब, हाँ हेक्सागोनल एक ग्रुप बनाया गया है, मतलब गड्ढा या होल कह लो, होल नहीं कहेंगे, हेक्सागोनल ग्रुप कहेंगे, हेक्सागोनल ग्रुप बना दिया गया है, तो इस तरह का इंटरनल रेंचिंग होता है। यहाँ पे रिंच हम लोग लगाते हैं इंटरनली वाला, आपने वैसे नहीं देखा होगा, हमने भी उतना नहीं देखा है, लेकिन वैसे मूवी वगैरह में कहीं कहीं इसको देख लिया है हमने। ठीक है ना, कुछ टेक्निकल वाला देख लेते हो, फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप करके कुछ मूवीज तो मिल जाता है उसमें देखने को। ठीक है, तो इस तरह के होते हैं इंटरनल रेंचिंग। यहाँ पे आपका रेंज फोटो है मेरे पास, उसकी इंटरनल वाले सेंड कर देना, जो भी आपको ग्रुप में डाल देता हूं एक बार। हाँ, रेलवे मतलब मैं स्टेशन में था तो वहां पे देखा था, मैं तो डाल देता हूं। ठीक है, आप डाल दो, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आपने देखा NAS में 3 तरह के हेड स्टाइल वाले बोल्ट हैं, हेक्स हेड है, इंटरनल रेंचिंग है, और काउंटर सैंक हेड स्टाइल है। काउंटर सैंक वाला भी यहाँ पे होगा, मैं उसको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे है जो मैं बना रहा था, ये काउंटर सैंक इस तरह के हैं, और ये डॉट इसमें भी एक ग्रुप है हेक्सागोनल, इसलिए छोटा सा ग्रुप है ताकि सपोर्टिंग हो सके, क्योंकि इसे कैच नहीं कर पाओगे ना, जब इसमें टर्न करोगे, जब नट को टाइट करोगे तो इसे ये टर्न करने लग जाएगा ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे जब पूरा चल जाएगी तो कस करना हो, मतलब टाइट करना हो, तो इसे पकड़ कैसे पाओगे, तो होल्ड करने के लिए ये थोड़ा सा इसमें एक ग्रुप दे दिया कि एक साइड से थोड़ा उसे होल्ड रख पाओगे और एक साइड से टर्न कर पाओगे, इसे टाइट कर पाओगे, इसलिए है ये, तो ये काउंटर सैंक बोल्ट है। अब आता है मिलिट्री स्टैंडर्ड। मिलिट्री स्टैंडर्ड में भी हेक्स हेड आता है और इंटरनल रेंचिंग आता है, इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है
जो पूछा नहीं गया है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंफर्म आपके पेपर में भी आएगा, ठीक है, वो छूटने वाला नहीं है। अगर किसी ने भी सिक्स का पेपर दिया होगा तो कंफर्म आया होगा, ये छूटा ही नहीं होगा, ये क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में पूछता ही है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीसी के लिए बोल्ट वाले पार्ट्स, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग आएंगे आइडेंटिफिकेशन एंड कोडिंग पे। आज से आपको क्लियर है क्या ये वाला एरिया? हेलो, एक चीज डाउट थी, प्योर एल्यूमिनियम की जो कोटिंग थी, सॉरी प्लेटिंग थी, वो क्या नाम बताया थे आपने उसका? एल्केलेट बोलते हैं उसको। ओके सर, ओके। अभी आइडेंटिफिकेशन एंड कोडिंग मतलब कि हम बोल्ट को पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, उनके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि किन किन बेस के बेस पे हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, किससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा बोल्ट किस तरह का पर्पज है, ठीक है, किस मटेरियल का बना है, डायमीटर क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, किस पर्पज से बनाया गया है, कहाँ यूज कर सकते हैं। तीनों ने बताया कि बोल्ट जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं ये बहुत अलग अलग शेप, मतलब मेनी शेप्स, काफी सारे वैरायटीज हैं शेप्स हैं, ठीक है। कोई क्लियर कट मेथड है नहीं हमारे पास आइडेंटिफिकेशन का, पहली बात तो ये है आपके पास कोई मेथड है ही नहीं आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि बहुत अलग अलग डिफाइंड है, और एयरक्राफ्ट में तो बहुत अलग अलग पर्पज के लिए, अलग अलग लोकेशन के लिए, अलग अलग यूज के लिए अलग ही है, और अलग अलग वेदर कंडीशन के लिए, सब पे वेरी करता है। तो यहाँ पे कोई क्लियर कट मेथड है ही नहीं कि बोल्ट को चार पार्ट में बांट दिया, फाइव पार्ट में बांट दिया, नहीं। लेकिन हम लोग मोस्टली वाला बात कर रहे थे कि AN में आता है, MS में आता है, NAS में आता है, जनरल में आता है, और क्लोज टॉलरेंस में आता है, मतलब मोस्ट बोल्ट इसी में होते हैं, और इंटरनल रेंजिंग में आता है, मोस्टली ये मिलते हैं बोल्ट। बाकी अभी हम लोग पढ़ेंगे ना स्पेशल टाइप फास्टनर्स में, जैसे एयर लॉक, कैम लॉक, डीजर्स, ये सब तो पूरी आसमान में चले गए हैं, मतलब इनका वेरिएशन आप समझ ही नहीं पाओगे ये कहाँ से बना दिया है ऐसा सा बोल्ट, ठीक है। उनका पर्पज ही पूरा अलग है ना, एकदम दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं लगेगा आपको इससे, देखे ही नहीं होंगे हम लोग ऐसे बोल्ट। अभी आएगा B1 को भी देखना है थोड़ा थोड़ा, B1 के लिए तो वो मोस्ट है, B1 B2 के लिए थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझना है वहाँ को। तो इन्होंने पहले बता दिया कोई क्लियर कट मेथड हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बोल्ट को उसके हेड के बेस पे पढ़ लेते हैं। जैसे अभी हम लोग हेड के बेस पे ही तो पढ़ रहे थे, AN में कौन कौन से हेड स्टाइल है, NAS में कौन कौन से हेड स्टाइल है, और MS में कौन कौन से हेड स्टाइल है, तो ये हेड के बेस पे पढ़ा। फिर मेथड ऑफ सिक्योरिंग के बेस पे भी पढ़ लेते हैं, मतलब किसी भी बोल्ट को लॉक करना है, नट बोल्ट को जैसे हम लोग टाइट कर लेते हैं तो लॉक करना जरूरी है ना, क्योंकि एयरक्राफ्ट में वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन ज्यादा होगा तो आपका नट होगा वो लूज हो जाएगा, तो लॉकिंग करना जरूरी है। तो लॉकिंग डिवाइस के बेस पे भी हम उसके बारे में पढ़ते हैं, कौन सा मटेरियल आपने यूज किया बोल्ट को बनाने में उसके बेस पे भी पढ़ लेते हैं, एंड यूजेस। तो आपने देखना ये वाली लाइन मेरे ख्याल से B1 में आई हुई है, तो ये ध्यान देना कि बोल्ट को किन किन बेस पे आइडेंटिफाई किया जाता है, शेप ऑफ हेड, मेथड ऑफ सिक्योरिंग, मटेरियल यूज इन फैब्रिकेशन, एंड एक्सपेक्टेड यूजेस। चाहे आप B2 के हो, B1 के हो, अच्छे से लाइन याद रखना है, और खास करके नट बोल्ट स्क्रू पिंस वॉशर, ठीक है, और रिबिट्स, इनकी तो कोई लाइनें नहीं छोड़नी है, ठीक है। इसमें तो पूरा रट के जाना है, अच्छे से एक एक लाइनें रट के जाना है। कुछ कुछ लाइनें हैं जो बेवजह की भी हैं, उनको मैं छोड़वा दूंगा, मतलब वो एक्सक्लूड कर सकते हो, बाकी अभी तक तो पूरा पढ़ के जाना है अच्छे से, है ना, उसको करना। अब हम लोग आते हैं थोड़े से मार्किंग के बारे में, AN टाइप बोल्ट के बारे में, मतलब कि जो एयरफोर्स नेवी वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, AN टाइप एयरक्राफ्ट बोल्ट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द कोड मार्किंग ऑन द बोल्ट हेड, ठीक है ना। AN टाइप जो एयरक्राफ्ट बोल्ट है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो ये कोड वगैरह, जो भी हम कोडिंग यूज कर रहे हैं, उस कोड के बारे में बात नहीं है कि किस तरह की कोडिंग है, बस ये कह रहा है कि जो कोड मार्किंग हम यूज कर रहे हैं वो कोड मार्किंग कहाँ लगाएंगे, हेड पे लगाएंगे, तो ही तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सैंक पे तो लगाएंगे नहीं, सैंक खराब थोड़ी करनी है बोल्ट की, ठीक है ना, मतलब उसकी जो लेंथ है, लेग है, जिसे आप लेग भी कह लो, एक्चुअल में वो नाम क्या है, सैंक है, सैंक को तो खराब करना नहीं है ना, तो उसको। द मार्किंग जनरली डिनोट द बोल्ट मैन्युफैक्चरर, मटेरियल ऑफ विच बोल्ट इज मेड, वेदर द बोल्ट इज स्टैंडर्ड AN टाइप और स्पेशल पर्पज टाइप। अब ये वाला लाइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया आपके, कि जो ये मार्किंग है ना
वो क्या बताता है? ये मार्किंग बताता है जो आप AN टाइप बोल्ट के हेड पे कर रहे हो, वो क्या मार्किंग आइडेंटिफाई करता है, ये बोल्ट किस मैन्युफैक्चरर का है, किस मटेरियल से बना है, ये AN टाइप का है या फिर स्पेसर पर्पज बोल्ट है, इसको भी बताएगा, मतलब कि किस स्टैंडर्ड का है। सिंपल सी बात है, AN टाइप हो या फिर स्पेशल पर्पज बोल्ट है, सिंपल, ये दोनों अलग अलग स्टैंडर्ड में आते हैं। तो ये बातें बता देते हैं आपको इसको। सर स्पेशल टाइप मतलब उसका यूज क्या करते हैं, क्या मतलब किस जगह? इसमें स्पेशल टाइप वाले देखो, एक डिफाइंड एरिया नहीं है, ठीक है ना। स्पेशल टाइप में, स्पेशल टाइप में जब हम लोग पढ़ेंगे, जो बोल्ट, ब्लाइंड बोल्ट भी है, ठीक है ना, स्टेम वाला भी है, जैसे पुल टाइप है, स्टम टाइप बोल्ट है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके लिए अलग अलग डिफाइंड एरिया, जैसे कि कुछ स्पेशल टाइप बोल्ट ऐसे हैं जहाँ पे हमें परमानेंट इंस्टॉलेशन चाहिए, जिससे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बोल्ट परमानेंट इंस्टॉलेशन नहीं देता था। रिबिट क्या देता है? परमानेंट इंस्टॉलेशन देता है। इसलिए रिबिट को जब अगर असेंबली डिसेंबली करना हो तो रिबिट को तोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो जहाँ पे आपको परमानेंट इंस्टॉलेशन चाहिए वहां पे हम लोग रिबिट मोस्टली यूज कर लेते हैं, यही तो करते हैं। क्लियर हो इसमें? Yes, sir. और बोल्ट वहां यूज करते हैं जहां पे हमें बार बार असेंबली डिसेंबली करना है, मतलब कि मेंटेनेंस, रिपेयर, इंस्पेक्शन वगैरह करते ही रहना है, तो वहां पे हम लोग बोल्ट को यूज कर लेते हैं। लेकिन कुछ बोल्ट ऐसे ही हैं हमारे पास जिनको परमानेंट स्ट्रक्चर में कर लेते हैं, जहां पे हमें बिल्कुल मेंटेनेंस, रिपेयर की, डिसेंबली, असेंबली की नीड नहीं है, तो इस तरह के बोल्ट है। तो कई तरह के मतलब की पर्पज है, ठीक है ना, उनके पर्पज भी डिपेंड करता है, तो उनको अलग अलग। वैसे अभी जो आप इस बुक में पढ़ोगे ना, वो इसी पर्पज पे जाता है, परमानेंट इंस्टॉलेशन। जो बोल्ट है, स्टम टाइप है, पुल टाइप है, ये परमानेंट इंस्टॉलेशन ही देते हैं, और बोल्ट और रिबिट दोनों की ही क्वालिटी रखते हैं, ठीक है। तो वो जस्ट अभी जब आएगा तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, अभी आपको ये देखना है। AN एयरक्राफ्ट बोल्ट में, ठीक है, अगर बोल्ट स्टील का बना होगा, मतलब स्टैंडर्ड AN है, एयरफोर्स नेवी का है, लेकिन वो स्टील का बोल्ट है, समझ पा रहे हो इतना? आपका स्टैंडर्ड क्या है बोल्ट की? AN है, एयरफोर्स नेवी है, लेकिन वो बना किसका है? स्टील का है। तो उस बोल्ट की मार्किंग के लिए हेड पे किस तरह की मार्किंग करेंगे? उस बोल्ट की मार्किंग के लिए हम लोग एक रेस्ड डैश या फिर एस्टेरिक्स, रेस्ड डैश मतलब इस तरह से डैश वगैरह होगा मार्किंग, या फिर इस तरह का एक एस्टेरिक्स होगा, जिसे आप मोबाइल में होता है बोलते हुए स्टार, वो स्टार नहीं होता है, उसका एक्चुअल में नाम एस्टेरिस्क है, तो वो इस तरह की मार्किंग हो गई। आओ देख लो इसको, ठीक है, ये देखो AN स्टैंडर्ड स्टील बोल्ट, इसी के बारे में बात कर रहे थे। मार्किंग है ऐसे, रेज्ड डैश, दो है रेज्ड डैश ना क्रॉस में, एस्टेरिस्क। हम लोग इसी बोल्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि AN स्टैंडर्ड हो और स्टील बोल्ट हो, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। AN स्टैंडर्ड और स्टील बोल्ट, तो देखो रेज्ड डैश दो है, मतलब क्रॉस में ऐसे बना दिए गए हैं, और ये एस्टेरिस्क है, सिंपल। तो इस तरह के मार्किंग हो जाते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील, मतलब अभी ये बोल्ट स्टील का ही है लेकिन वो कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील है, समझ रहे हो ना। ऊपर वाला जो बोल्ट था वो नॉर्मली एक स्टैंडर्ड बोल्ट था, मतलब कि उसमें कोई कोरोजन रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी स्पेशली इसके लिए नहीं बनाई गई थी। मैंने बताया था ना कि स्टील कई तरह के होते हैं, कुछ स्टील ऐसे होंगे जो स्पेशली कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए होंगे, और इसी एरिया में करेंगे, वहां उस एरिया में करेंगे जहां पे कोरोजन रेजिस्टेंस आपको ज्यादा चाहिए, तो उसे हम CRS कह लेते हैं। तो अगर CRS स्टील का बना होगा ये AN बोल्ट, तो उस पे मार्किंग क्या होगा? सिंगल रेज डैश होगा, सिंपल। यहाँ पे बस रेज डैश था, इसलिए यहाँ पे दो थे, प्लस में था, यहाँ पे केवल सिंगल है तो एक ही होगा, इस तरह का प्लस प्लस का कोई शेप नहीं होगा, केवल सिंगल रेज डैश होगा, सिंपल। तो देखो कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील, जस्ट इसके बगल में ये है कि नहीं है, सिंगल रेज्ड, क्लियर है। AN स्टैंडर्ड में था कि हमारे पास रेज डैश होगा, वो बोल नहीं रहा था कि हमारे पास सिंगल होगा, इसलिए यहाँ पे प्लस ही मार्किंग होती है, दो रेज डैश है, मतलब प्लस कर दिया, और एक एस्टेरिस्क है। लेकिन जब कोरोजन रेजिस्टेंस वही होगा स्टील, तो हमारा मार्किंग क्या होगा? एक रेज डैश होगा। तो एक ये वाला याद रखना है अच्छे से, ये वाला और ये वाला, ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में आपके, आप प्रीवियस करोगे आपको मिल जाएगा।
एल्युमिनियम अलॉय का अगर आपका बोल्ट होगा स्टैंडर्ड AN ही है, लेकिन आप मटेरियल फिर बदल रहे हैं, तो देख रहे हो ना ये मटेरियल की एक्चुअली मार्किंग होती है जो भी आप मार्किंग कर रहे हो, क्योंकि केवल मटेरियल बदल रहा है, स्टैंडर्ड तो सेम है, तो वो एक्चुअली वो मटेरियल की ही मार्किंग आप कर रहे हो। तो लिखा ना कि AN एल्युमिनियम अलॉय, एल्युमिनियम अलॉय का बोल्ट है, तो उस पर मार्किंग जो होती है 2 रेज डैश होती है। अब 2 रेज डैश मतलब क्रॉस नहीं होगा, जिस तरह से यहाँ पे प्लस था ना, ये नहीं होगा, इस तरह का नहीं होगा, इस तरह होगा, देखो ये 2 डैश कर लिया साइड साइड से, समझ रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो ना हर एक में? हाँ सर। ओके, अभी कहाँ पे आ गए, तो इस चैप्टर के लास्ट में आ गए, ठीक। तो ये 3 वाला आपको अच्छे से याद रखना है, AN स्टैंडर्ड, स्टील बोल्ट की मार्किंग, रेज डैश एस्टेरिक्स कोरोजन स्टील में देख लेना है कि सिंगल रेज डैश होता है, एल्युमिनियम अलॉय में देख लेना है कि आपको 2 रेज डैशेस होती हैं। अब ये बोल रहा है एडिशनल में कि अदर इंफॉर्मेशन अगर आपको जानना है बोल्ट के बारे में, जैसे कि डायमीटर जानना हो, लेंथ जानना हो, ग्रिप लेंथ जानना हो, ठीक है, और मटेरियल भी, अगर मटेरियल की भी जानकारी अगर लेना है बोल्ट के बारे में, तो आपको बोल्ट का पार्ट नंबर पढ़ना जरूरी है। अब पार्ट नंबर हर एक मशीनरी के लिए आता है, जैसे इंजन मॉडल के लिए भी आएंगे, इंजन में जितने पार्ट वगैरह होंगे सबके लिए आएंगे मोस्ट, ठीक है ना, हर एक मशीनरी के लिए पार्ट नंबर होता है, उस मशीनरी के स्पेशल इंफॉर्मेशन के लिए जो रिक्वायर्ड है आपको जानना जरूरी है। जैसे कि एक इंट्रो आप समझते हो उस तरह का है वो चीज, उसके बिना आप उसे सिलेक्ट ही नहीं कर पाओगे कि यूज कहाँ करें। जैसे नॉर्मली आपको एक बस बोल्ट दे दिया गया, तो कैसे पता चलेगा ये बोल्ट कहाँ यूज करना है, जब तक उसका पार्ट नंबर आप पढ़ोगे नहीं कि एक्चुअली में किस पर्पज से बनाया गया है। जब आप पार्ट नंबर पढ़ोगे तो ही आपको पता चलेगा कि हाँ इसका यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं, तो पार्ट नंबर रहना जरूरी है। उसके लिए मैनुअल्स आते हैं, जैसे मोबाइल के साथ उसका मैनुअल आता है, उसी तरह से हर एक मटेरियल का अपना मैनुअल आता है, हर एक इक्विपमेंट टूल का भी पार्ट नंबर आती है, ठीक है ना, हर एक मटेरियल का यहाँ पे पार्ट नंबर होता है, उसके बारे में अच्छे से जानने के लिए। एग्जाम्पल इस तरह से ये दिखेगा, लाइक इसी तरह होता है, AN3DD5A लिखा गया है। इसका मीनिंग क्या है, आपके जो पेपर में पूछता है ये पार्ट नंबर, B1 के पेपर में, B2 में भी ये पूछा गया है पेपर में, तो B2 वाले भी ध्यान देंगे, तो ये जो पार्ट नंबर जो आता है ना वो जस्ट एज इट इज यही होता है, मतलब कि और कोई एग्जांपल नहीं लेगा, जो बुक में आपने दिया है ना एग्जांपल, जस्ट वही पार्ट नंबर आते हैं पेपर में आपके, ठीक है। तो AN मीन्स आप क्या समझ जाते हो कि ये एयरफोर्स नेवी का बना हुआ है, मतलब कि ये स्टैंडर्ड का है ना, स्टैंडर्ड के बाद से जो नंबर होता है ना, लॉजिक ऐसे ही लगाना पड़ेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कोई सेंस नहीं है पार्ट नंबर याद करने का, क्योंकि हर एक बोल्ट का अलग अलग पार्ट नंबर हो सकता है और होता भी है, और नट में तो कई तरह के पार्ट नंबर हैं, अलग अलग नट के अलग अलग पार्ट नंबर, मतलब अगर आप सोच रहे होगे कि बोल्ट का पार्ट नंबर याद करके नट का पार्ट नंबर समझ सकते हो, तो नहीं समझ पाओगे, वहां पे कहानी पूरी बदल जाती है। उसी तरह से नट का पढ़ के रिबिट का नहीं समझ सकते, रिबिट में फिर पूरा अलग हो जाता है, तो आपको पार्ट नंबर का नोट बनाना जरूर, ठीक है, B1 वाले तो जरूर बनाना पार्ट नंबर का नोट, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन एकदम नेसेसरी होता है आपके पेपर में आने का। तो AN3DD5A, ठीक है, AN का 3 आप समझ जाओगे, AN मीन्स एयरफोर्स नेवी, 3 मीन्स आप समझ जाओगे कि ये डायमीटर को डिफाइंड करता है कितने में, 1/16 में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके पेपर में, और ये B2 के पेपर में भी है कि बोल्ट का डायमीटर किस में लेते हैं, तो 1/16 में, ठीक है। अब डायमीटर के जस्ट बाद आपका मटेरियल का इंडिकेशन किया जाता है, मतलब कि आपने स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन कर लिया, डायमीटर को आइडेंटिफाई कर लिया, अब मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन करोगे, तो अगर 3 लिखा है तो आपका डायमीटर कितना होगा, 3/16, यही होगा इंच में होगा इस तरह से। तो अब आपने देख रहे हो कि 3 के बाद डबल डी है, तो डबल डी का मीनिंग होता है 2024 एल्युमिनियम अलॉय, ये टाइप ऑफ एल्युमिनियम अलॉय है, हर एक एल्युमिनियम अलॉय का अलग अलग पार्ट नंबर से, मतलब कि इस वाले ये न्यूमेरिकल नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो डबल डी का मतलब है कि 2024 एल्युमिनियम अलॉय है, ठीक है, इस एल्युमिनियम अलॉय का यह बना हुआ बोल्ट है।
डबल डी की जगह पर, ये कहते हैं ना कि अगर डबल डी की जगह पर अगर हम सी लिखे होते ना तो ये कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील का बना होता है। मतलब कि सी क्या इंडिकेट करता है, कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील। अगर ये बोल्ट कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील का बना होता तो वहां पे सी लिखा होता। और अगर कोई लेटर नहीं होता, इन्होंने लिख दिया अब्सेंस ऑफ लेटर, मीनिंग है कि कैडमियम प्लेटेड स्टील का बना है। तीन लाइन है ना यहाँ पे, तीन अच्छे अच्छे पॉइंट। डबल डी का मतलब 2024 टी एल्युमिनियम वाला है, ये 2024 एल्युमिनियम वाला है। ये B2 के पेपर में यही पूछा था, ये देखे पार्ट नंबर कि डबल डी का क्या मीनिंग है। मोस्टली B2 के पेपर में यही बार बार पूछता है, अदर भी पूछ सकता है क्योंकि उसके पास नए क्वेश्चन बनाने के चांसेस है। वो ये भी पूछ लेगा कि ए क्या लिखा है, लास्ट में जो ए लिखा है उसका क्या मीनिंग है, या 5 का क्या मीनिंग है, 3 का क्या मीनिंग है। तो आपको पता होना चाहिए ना पढ़ने का तरीका, तो उसको याद रखना है। बाकी B1 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना। अभी हम लोग आएंगे मटेरियल के बाद वाला नंबर जो है, मटेरियल के बाद वाला नंबर 5 है, वो इंडिकेट क्या करेगा मटेरियल का 5, मटेरियल के बाद वाला नंबर। तो मटेरियल के बाद वाला जो नंबर होता है वो आपके लेंथ को डिफाइन करता है, ठीक है, कि बोल्ट का लेंथ कितना है। और वो लेंथ हम 1/8 ऑफ द इंच में लेते हैं, है ना, 1/8 ऑफ द इंच। 1/8 ऑफ द इंच लेंगे मतलब कि 5/8 इंच इस बोल्ट का, मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट नंबर का लेंथ होगा। जस्ट इस लेंथ के बाद में एक नंबर है, अल्फाबेट है ए। इस अल्फाबेट का मीनिंग यह है कि आपका जो बोल्ट है उसका सैंक जो है, सैंक मतलब कि ये आपका हेड हो गया, ये सैंक, इसे ही सैंक कहते हैं। इसका ये जो सैंक है ये अनड्रिल्ड है, मतलब इसमें कोई ड्रिलिंग नहीं करी गई है। ड्रिल क्यों करते हैं, हमें क्या करना है, सेफ टाइम करना है, मतलब कि क्वार्टर पिन वगैरह या लॉकिंग वायर लगा दिया सेफ्टी के लिए, ताकि नट आपका निकल ना पाए, इसलिए यहाँ पे ड्रिल कर दिया जाता है। इधर जैसे फैन में देखते हो गए नॉर्मली, इसलिए फैन का एग्जांपल मैं देता हूँ बार बार से, फैन में देखते हो गए ना एक पिन लगाई जाती है, होता है देखे हो सब कोई जब उसको इंस्टॉल करते हैं छत पे रूफ पे। तो हाँ सर, तो ग्रिप लेंथ क्या है, ग्रिप लेंथ क्या है बता देता हूँ, अभी मैं ये बता दूं फिर बता देता हूँ ग्रिप लेंथ क्या है। अब देखो अगर ए नहीं लिखा होगा, तो ए नहीं लिखा होगा तो हम क्या समझेंगे कि ए के जगह पे कुछ नहीं लिखा है, क्या लिखा है, एच लिखा है। तो हम ये समझेंगे कि उसको ड्रिल है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सेफ टाइम तो करना ही है। अगर नहीं ड्रिल है और एच लिखा है तो आपको ड्रिल करना पड़ेगा, ड्रिलिंग करो। बहुत पतली ड्रिल बिट आती है बोल्ट्स के लिए, बहुत ज्यादा मतलब फाइन आती है, बहुत फाइन सुई की तरह से, है ना, उस तरह सा होगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा उसमें नहीं करना है ना, डायमीटर भी तो ज्यादा नहीं है उसकी, तो हल्का होते हैं इनके ड्रिल बिट्स, बहुत हल्के होते हैं। आपको ड्रिल करना है और सेफ टाइम कर लेना है, मतलब कि क्वार्टर पिन या फिर जो भी आपका लॉकिंग वायर है यूज कर लेना है। ग्रिप लेंथ वो पोर्शन होता है जो अनथ्रीडेड होता है, बोल्ट में हर एक पोर्शन थ्रीडेड नहीं है, जैसे इतना बड़ा ग्रिप है ना। हेलो, हाँ सर, जब अगर एच रहेगा तो उसका मतलब ये रहेगा कि हमको ड्रिल करना है कि करके आया है। देखो एच का मीनिंग यहाँ पे जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ क्या है, इन्होंने यहाँ भी लिखा कि हेड वुड बी ड्रिल फॉर सेट पाइन, करना पड़ेगा आपको, है ना, एच लिखा होगा। और ए लिखा होगा तो सर क्या करना पड़ेगा, ए लिखा होगा तो कोई करना ही नहीं है, वो अनड्रिल्ड है, उसके बारे में कुछ बात नहीं। अच्छा, अनड्रिल्ड है, हाँ वो अनड्रिल्ड है, ठीक है सर। अब ये जो बोल्ट है देखो, यहाँ पे देख लो, ये जो थ्रेड बन गया तो ये तो थ्रेडेड पोर्शन, ये वहां पे कोई थ्रेड नहीं है ना, इसे ही हम लोग कहते हैं ग्रिप लेंथ। ग्रिप लेंथ तो क्या डिफाइंड है, अगर ग्रिप लेंथ पूछ लिया तो अनथ्रेडेड पोर्शन ऑफ बोल्ट है, बोल्ट सैंक, अनथ्रेडेड पोर्शन ऑफ बोल्ट सैंक। सैंक क्या है, ये पूरा यहाँ से यहां तक ये पूरा सैंक है, मतलब बोल्ट का जो लेंथ है ये वाला सैंक है, इसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें जो अनथ्रेडेड पोर्शन होगा उसको हम लोग ग्रिप लेंथ में इंक्लूड करेंगे। अब देखो क्लोज टॉलरेंस बोल्ट, क्लोज टॉलरेंस बोल्ट पे जो मार्किंग होती है उसकी मार्किंग में हम लोग क्या करते हैं, ये मेरे पेपर में था क्वेश्चन आया था B2 के पेपर में, आपका एक ट्रायंगल होता है, या तो वो ट्रायंगल उभरा हुआ हो, मतलब कि आपका रेज्ड ट्रायंगल हो, रेज मतलब उभरा हुआ, या फिर आपका रिसीज्ड ट्रायंगल हो, मतलब कि गड्ढा हो ट्रायंगल शेप का, है ना, ग्रूव हो एक बना दिया गया हो इस तरह का। यहाँ पे ये वाला दिख जाएगा आपको एनएस पे, देखो
इन्होंने दिखाया इस तरह से ट्रायंगल होता है, तो क्लोज टॉलरेंस बोल्ट में इस तरह का होता है, या तो रेज्ड ट्रायंगल हो सकता है या फिर रिसेस्ड ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं मार्किंग फॉर एनएएस बोल्ट आर सेम एज एएन बोल्ट। कह रहा है कि जो मार्किंग होती है नेशनल एयरस्पेस स्टैंडर्ड या फिर नेशनल एयरक्राफ्ट स्टैंडर्ड, उस बोल्ट की मार्किंग एएन बोल्ट की तरह ही है, बस एक्सेप्ट दैट दे मे बी आइदर रेज्ड और रिसीज्ड। बस इतना ये है कि या तो रेज्ड होता है या फिर रिसीज्ड होता है, कोई भी चीज किसी भी चीज की मार्किंग होगी तो या तो रेज्ड हम रखेंगे या फिर रिसीज्ड रखेंगे, बस इतना ही है। तो पूरी लाइन है वो पूछेगा, अगर ये कभी पूछेगा तो, वैसे ये वाला लाइन कभी नहीं पूछा है। तो एनएएस बोल्ट की जब भी मार्किंग के बारे में पूछेगा तो आप बोल देना कि सर सेम एज एनएस होती है, तो ऑप्शन मिल जाएगा आपको सेम एज एन एन, और ये एक्सेप्ट वाला ऑप्शन जरूर अगर ये क्वेश्चन बनाएगा तो बी ऑप्शन बनाएगा कन्फर्म, मतलब कि बहुत ए एन बी वाला ऑप्शन ही सही होगा अगर इसके लिए कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो, आधा अधूरा नहीं पूछेगा क्योंकि ये वाला पॉइंट भी है, या तो आधा अधूरा पूछ ले, ये एक्सेप्ट वाला कोई दिया ना हो तो डायरेक्ट आप बोल दोगे कि सेम एज फॉर एन बोल्ट, लेकिन यहाँ पे अधूरा सेंटेंस होता है क्योंकि एनएस बोल्ट सेम नहीं है, इसमें तो कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पे जो मार्किंग होती है या तो रेज्ड मार्किंग होती है या फिर रिसीज्ड मार्किंग होती है, इतना ही है बस, आप इसको भी याद रखना। क्लियर हो मार्किंग के बारे में? एन बोल्ट में देखना कि एयर बोल्ट में क्या था, क्लोज टॉलरेंस में क्या था और एनएएस में क्या था, अच्छे से देखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी क्वेश्चन। हाँ बोलो, नॉर्मल लेंथ यार एक छोटा भी बोल्ट होता है एक बड़ा भी होता है, तो ये तो हम कह नहीं सकते कि नॉर्मल कितना होता है ना, और वो मेरे ख्याल से 2-2.5 इंच के तो होंगे ही होंगे, इससे छोटे तो हो नहीं, इससे छोटे भी है लेकिन, तो नॉर्मल की कोई बात नहीं है यहाँ पे, ऐसी कोई कैटेगरी आपसे नहीं पूछी जाती है नॉर्मल की, क्योंकि पर्पज के बेस पर हम लोग बोल्ट अलग अलग बनाते हैं, ठीक है ना। अभी कुछ बोल्ट ऐसे भी है जो 1 इंच के भी होते हैं, 1.5 इंच के भी होते हैं, ठीक है। और सर हेड के नीचे से लेके बॉटम तक, बोल्ट के बॉटम तक, उस लेंथ को क्या बोलते हैं? उसको कोई डिफाइन नहीं होता, थ्री डेड पोर्शन कहते हैं बस, उसका नंबर थ्री डेड पोर्शन ही बोलोगे, है ना। अब देखो जनरल पर्पज बोल्ट, मतलब कि जो हम लोग मोस्ट टाइप ऑफ बोल्ट पढ़ गए थे ना, उसको पढ़ना जरूरी है ना, जनरल एक एक बोल्ट को अलग से आइडेंटिफाई करेगा, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। खास करके ये स्टैंडर्ड मैं सबको बोलूंगा कि जितने भी स्टैंडर्ड है ना उसको पढ़ना जरूरी है, मतलब कि वो जानबूझ के कभी मिस करना ही नहीं है, वो एकदम रट लेना है कि जनरल पर्पज AN3 से AN20 तक के जितने भी बोल्ट होते हैं AN3 टू AN20 वो सारे जनरल पर्पज में आते हैं, और ये जनरल पर्पज मतलब कि बहुत कम टेंशन या फिर शेयर लोड को कैरी करेगा, लाइट ड्राइव फिट के लिए परमिशेबल है, परमिशेबल है कि एबल है, एलिजिबल है, उसकी इतनी एबिलिटी है, तो हल्के ड्राइव फिट्स होंगे, लाइव चाहे शेयर लोड हो चाहे आपका टेंशन लोड हो, ठीक है। तो ये AN3 से लेके AN20 तक के जितने भी बोल्ट होते हैं हैक्स हेड टाइप के होते हैं, ये बोल्ट हैक्स हेड एयरक्राफ्ट बोल्ट होते हैं AN3 से AN20 तक, और ये जनरल पर्पज की कैटेगरी में आते हैं, लाइट ड्राइव फिट कह लो या फिर कह लो टेंशन या फिर शेयर लोड के लिए, जहाँ पे बहुत हल्का होगा टेंशन और शेयर लोड हल्का होगा, ठीक है, वहां पे यूज होगा। सिंपल इस वाला ये पूरा लाइन आ चुका है यहाँ से, यहाँ से तो जहां मैं मार्क कर रहा हूँ ना आप मार्क करते जाओ, चाहे B1 के हो B2 को, मुझे कहना ना पड़े कि आप B1 मार्क करो B2 मार्क करो, जहां मुझे जरूरत होगी मैं बोल दूंगा कि B2 मार्क करें या B1 मार्क करें, लेकिन अगर मैं कुछ ना बोलूं क्रिटिकलाइज ना करूं तो आप सब मार्क करना, ठीक है, अपने बुक में सबके पास होगा, मोस्टली सबके पास बुक होगा ना, आप कैटेगराइज करना। एलाई स्टील बोल्ट स्मॉलर देन नंबर 1032 एंड एल्युमिनियम अलॉय बोल्ट स्मॉलर देन 1/4 इंच इन डायमीटर और नॉट यूज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसको कि कोई भी स्टील बोल्ट हो अगर गेज नंबर उसका कितना है 10 और 32 के बीच में है या फिर इससे कम है, ठीक है ना, स्मॉलर देन है नंबर 10 से लेके 32 ना, इससे कम है अगर उसका गेज नंबर, ठीक है, तो उस बोल्ट का यूज प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं करेंगे, और ऐसा एल्युमिनियम बोल्ट
जिसका डायमीटर 1/4 इंच से भी कम डायमीटर है, उस बोल्ट को भी हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर में यूज नहीं करेंगे। आप याद रखोगे ये चीज। फिर यहाँ पे लिखा है कि एल्युमिनियम अलॉय बोल्ट्स एंड नट्स आर नॉट यूज्ड वेयर विल बी रिपीटेडली रिमूव्ड फॉर पर्पस ऑफ मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन। ये वाला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम अलॉय जो बोल्ट्स होते हैं एंड नट होते हैं, उनको वहां पे यूज नहीं करना है जहां पे बार बार हमें मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन करना है, क्योंकि एल्युमिनियम अलॉय बोल्ट वैसे उनके पास स्ट्रेंथ होती नहीं है, वो मिस हो जाएंगे। समझ रहे हो? मिस समझते हो ना? हाँ, बोलते हो कैच मिस हो गई, वही वाली चीज, ये खराब हो जाएगा। फिर इसको यूज ही नहीं करना है ऐसे जगह पे जहाँ पे बार बार इंस्पेक्शन वगैरह करना पड़ रहा हो, बार बार असेंबली, जैसे कि मान लो एक इंस्पेक्शन पैनल होता है उसको बार बार खोलना ही पड़ेगा, तो वहां पे तो इसे बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो वहां जहां पे हमें बार बार इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस रिव्यू करना ही है, वहां पे इसको यूज नहीं कर सकते एल्युमिनियम अलॉय बोल्ट। इसको हटा दो, इसे किसी काम का नहीं है। एल्युमिनियम अलॉय बोल्ट, एल्युमिनियम अलॉय नट्स मे बी यूज विद कैडमियम प्लेटेड स्टील बोल्ट लोडेड इन सेयर ऑन द लैंड एयरप्लेन। कह रहा है कि एल्युमिनियम अलॉय नट कहाँ यूज कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था ना कि जब भी स्टील की बोल्ट होता है, ये बोल्ट क्या है, स्टील का है, लेकिन हम जो नट है ना, जो नट है वो किसका यूज कर रहे हैं, एल्युमिनियम का। तो स्टील को सेफ्टी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि डिसिमिलर मेटल बन जाएगा, देनी पड़ेगी ना। और कौन सा सेफ्टी देंगे? सबसे बेहतरीन सेफ्टी यही है कि आप कैडमियम की दो। इसलिए लिख दिया यहाँ पे कि एल्युमिनियम अलॉय की नट आप यूज कर सकते हो कैडमियम प्लेटेड स्टील बोल्ट पे। किसके लिए? शेयर लोड के लिए। और बोल्ट एक्चुअली शेयर लोड के लिए ही, मोस्टली शेयर लोड के लिए है और टेंशन भी है, लेकिन यहाँ पे तो शेयर लोड के लिए बताया है कि लोडेड इन शेयर ऑन लैंड एयरप्लेन। यहाँ पे शेयर लोड के लिए है मोस्टली। शेयर लोड समझते हो सब लोग? यस सर। दो मतलब दो प्लेट हो सर, उनके उनको पुल करे ऐसा वाला लगता है, जैसे टॉर्क लगता है ऐसा ही कुछ है सर, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, वही चीज है। यस सर, मतलब टॉर्क जैसा ही है ना कुछ, मतलब इस तरह से कोई रोटेशनल टॉर्क जैसे यहां से। यस सर, ऑफसेट फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो उसको बोलते हैं। तो ये चीज है, दो फोर्स हो अपोजिट डायरेक्शन में लगे, मान लो ये बोल्ट है, अब दो फोर्स लग रहा है इस पे, ये शेयर में आते हैं। और टेंशन तो आप समझते हो है ना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। टेंशन मतलब खिंचाव होना, बोल्ट में खिंचाव होना, खिंचाव आएगी तो वो टेंशन होगा, ठीक है, तो इसको याद रखना है। लेकिन सी प्लेन में नहीं करेंगे इसका, क्योंकि वहां पे ज्यादा डिसिमिलर मेटल वाली पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखो अब समझो ये क्यों नहीं करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर कैडमियम प्लेटेड तो किए ही है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? तो देखो स्टील बोल्ट को वैसे ही एल्युमिनियम से दिक्कत तो थी, डिसिमिलर मेटल हो जाएगा। उस दिक्कत से बचने के लिए आपने किया कि इसको कैडमियम की प्लेटिंग दे दो, कैडमियम की प्लेटिंग दे दी आपने, लगा लिया लैंड एयरप्लेन पे, मतलब कि जो जमीन पे उतर रहे हैं, जो पानी में उतर जाते हैं, जैसे एयरशिप अभी उड़ा रहा है ना गुजरात में, साबरमती हिल पॉन्ड में हो रहा है ना, तो वहां पे क्या है, वो सी प्लेन है, जिसे एयरशिप कहते हैं, उसमें ये नहीं यूज कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो सी वाटर है ना वो भी ऐसे ही साल्टी है, और जो रिवर का वाटर है वैसे ही साल्टी है, तो आपने कोरोजन वाला एनवायरमेंट में इंक्रीज कर दिया, और ऊपर से ये भी यूज कर लिया, तो दिक्कत ही, ऊपर से डिसिमिलर मेटल आपने रखा है, तो पॉसिबिलिटी और ज्यादा कोरोजन की बढ़ गई ना, इसलिए नहीं यूज करना है सी प्लेन में। अब ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये वाला AN3 और AN73 पूछा जाता है कि कौन सा बोल्ट है जनरल पर्पज में जो AN73 के साथ इंटरचेंज हो सकता है। इंटरचेंज समझते हो ना, कि AN73 खराब होगा तो AN3 वहां पे लगा सकते हो, अगर AN73 है नहीं आपके पास तो। और वैसे ही अगर AN3 आपका खत्म हो गया है, आपके शॉप में है नहीं, लेकिन AN73 होगा तो AN73 वहां पे यूज कर लोगे, बस डायमीटर सेम देखना है, सेम डायमीटर का हो तो यूज कर लो। समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर। तो ये वाले लाइन आपके पेपर में आता है, B1 B2 दोनों, ठीक है। थोड़ा सा इसमें अंतर होगा AN से, मतलब कि क्या है, यूज तो कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल है, तो ये पूछता है आपसे तो आप बता देना कि इंटरचेंजेबल है हर एक पर्पज के लिए, चाहे टेंशन स्ट्रेंथ पॉइंट से सोचो, चाहे शियर स्ट्रेंथ के पॉइंट से सोचो,
दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इंटरचेंज कर सकते हो, चाहे टेंशन के लोड के लिए ले रहे हो, चाहे सेल स्ट्रेंथ के लिए ले रहे हो। ये वाली लाइन भी आप देखना, AN73 ड्रिल्ड हेड बोल्ट सिमिलर टू स्टैंडर्ड हेक्स हेड बोल्ट बट हैज डीपर हेड विच ड्रिल टू रिसीव वायर सेफ टैंक। ये B1 के पेपर में है आया हुआ है कि जो AN73 बोल्ट होता है वो ड्रिल्ड हेड बोल्ट होता है, सिमिलर स्टैंडर्ड हेक्स बोल्ट की तरह होता है, ठीक है ना। जो स्टैंडर्ड हेक्स बोल्ट होती है उसी की तरह होता है, बस ये है कि इसका हेड जो होता है बट हैज अ डीपर हेड विच इज ड्रिल टू रिसीव वायर सेफ्टी। इसका जो हेड होता है कुछ ज्यादा ही डीपर है और सेफ टैंक के लिए, मतलब ड्रिल्ड किया गया है इसके हेड को ज्यादा ही डेप्थ में सेफ टैंक के लिए, बस इतना डिफरेंस है, वरना ये स्टैंडर्ड हेड बोल्ट की तरह ही है, ठीक है ना। इस वाले एरिया को आप भी देखोगे, सब कोई देखेगा, है ना। अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं ना अभी क्लोज टॉलरेंस पे। यस सर, इस तरह के अपने बुक पे मार्क करना कि जब भी आपको नजर में दिखे क्लोज तो आप समझ जाना कि ट्रायंगल रिसीज्ड हो या फिर रेज्ड हो वो होता है क्लोज टॉलरेंस। एक ट्रिक बताऊं आपको इस पे, टी मीन्स होता है ट्रायंगल, ठीक कर लोगे। जब भी ट्रायंगल की बात करो तो आप समझ जाओगे कि ट्री टी है और टी मीन्स क्या होगा, टॉलरेंस भी होगा। तो टी मीन्स ट्रायंगल है, टी मीन्स टॉलरेंस, टिक कर दोगे। बस क्लोज याद रखना क्योंकि ट्रायंगल क्लोज ही होता है, समझ रहे हो। यस सर, यस सर। तो पूरा अच्छा सा ट्रिक है ना याद रखने का, ट्रायंगल भी क्लोज है टॉलरेंस भी है, तो सिंपल कनेक्ट कर लो, क्लोज वाला होगा लेकिन टॉलरेंस होगा, सिंपल। तो ट्रायंगल से कनेक्ट कर सकते हो ट्रिक, क्लियर है ना। नहीं बस बाबू अभी याद हो गया होगा सबको आराम से, है ना। यस सर, ठीक है। तो ये आप साइड में कर लेना आप लोग। अब ये जो बोल्ट होती है, ये बोल्ट AN173 से लेकर के 186 तक आती है, किसमें, हेक्स हेड में। ये नाम भी याद रखना है, ठीक है ना। ये नाम भी आपको याद रखना है कि ये कौन सा हेड स्टाइल में है। जैसे कि वो पूछ देता है कि 173 से 186 तक के बोल्ट होता है कौन सा बोल्ट है, तो आप बता देते हो क्लोज टॉलरेंस है। ये पेपर में तो आया है, लेकिन कभी ये नहीं पूछा है कि ये कौन सा हेड स्टाइल में है। क्या पता आज ही पूछ ले, मतलब अभी के पेपर में पूछ ले। तो ये नाम तो याद रखना जरूरी है। उसी तरह से अगर पूछेगा कि 100% काउंटर सिंक हेड स्टाइल में है तो ये वाला है, और ये वाला आपके B2 के पेपर में आया था, मेरे वाले सेट में आया था। ये NAS 80 से लेकर NAS 86 100 डिग्री काउंटर सिंक, वो डायरेक्ट पूरी यही लाइन उठाया था कि 100 डिग्री काउंटर सिंक हेड NAS 80 थ्रू NAS 86 कौन सा बोल्ट है, तो क्लोज टॉलरेंस बोल्ट। और इसी बोल्ट से दो क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था कि वो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन पूछ लिया था, आइडेंटिफिकेशन वाला एडजस्ट ये भी पूछ लिया था, ठीक है। तो मार्क करते रहना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पेपर में आए हुए हैं, ये पूरी लाइन ही आई है यहाँ तक, ठीक है। और ये बोल्ट ना थोड़ा ज्यादा ही मशीन्ड है, मतलब कि ज्यादा एक्यूरेट है, समझ रहे हो ना। इसमें एक्यूरेसी ज्यादा है, जनरल पर्पज में एक्यूरेसी नहीं होती है उतनी। बहुत एक्यूरेट बोल्ट यूज करना है, डायमीटर स्टैंडर्ड टॉलरेंसेस, इसलिए टॉलरेंस यूज कर रहे हैं इस बोल्ट में। टॉलरेंस समझते हो, टॉलरेंस एक्यूरेसी जिसमें बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है ना, तो इसलिए टॉलरेंस इसमें यूज कर दिया गया। तो आप याद रखोगे टॉलरेंस ये सब एक्यूरेसी को डिफाइन करते हैं, ये टर्मिनोलॉजी। तो आप सिंपली समझ जाओगे कि ये हमेशा एक्यूरेट होगा अदर वोल्टेज से, मतलब कि मोर एक्यूरेट बोल्ट होगा जनरल पर्पज से, सिंपल। और ये बोल्ट वहां यूज होगा जहां पे टाइट फिट ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा हमें जहां पे सीयर और टेंशन लोड को कैरी करना है वहां पे इस बोल्ट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला चाहो तो याद करना या फिर छोड़ सकते हो, कोई मतलब नहीं है, हर एक लाइन पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है। इसमें बोला है कि इस बोल्ट को रिमूव करने के लिए 10-14 ounce का एमर यूज करते हैं। आउंस भी एक मतलब की मास की वैल्यू है, मतलब कि मास की यूनिट है। जैसे कि मास को हम लोग मेजर करते हैं केजी में ना, केजी में, ग्राम में, उसी तरह से पाउंड में, उसी तरह से आउंस भी होता है। थोड़ा देख लेना, चाहो तो देखना है तो छोड़ देना, जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब आपको देखना है इंटरनल रेंजिंग, आगे बढ़ सकते हैं। हेलो, यस सर, यस सर, हो रहा है ना सबको, सब ठीक है। इंटरनल रेंजिंग, इंटरनल रेंजिंग जो बोल्ट है, ठीक है, होगा।
अब आपको याद रखना है इंटरनल रेंचिंग होता कहाँ से कहाँ तक है। इंटरनल रेंचिंग मिलिट्री स्टैंडर्ड 2004 मतलब कि 20004 से 20024 तक मिलिट्री स्टैंडर्ड में आएगा, और NAS मतलब नेशनल एयरोस्पेस या फिर एयरक्राफ्ट स्टैंडर्ड 495 ये इंटरनल रेंचिंग बोल्ट होता है। इस स्टैंडर्ड को भी आप याद रखोगे, ये स्टैंडर्ड ही इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब कि वो कहाँ यूज हो रहा है, ड्राइव फिट कम फिट, सबसे ज्यादा वो स्टैंडर्ड से ही क्वेश्चन बनाता है, चाहे आप B1 के हो B2 के हो, मोस्टली क्वेश्चन आप देखोगे ना केवल स्टैंडर्ड से ही पूछता है आपसे, ठीक है। और B2 वाले ध्यान ना, मतलब कि उसके लिए कोई टेंशन ना लेना पेपर वगैरह सेट की, क्योंकि पेपर वगैरह मैंने अरेंज कर दिया है, ठीक है। B2 के दो सेट मिल गए हैं 2022 के, 4 वाला भी सेट मिल गया है, और अपना वाला भी सेट मैं वो लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे याद है क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा वो सारा, क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ ना 2-3 बार 6, तो मुझे याद है कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से हैं, और मैंने वो थोड़ा सा ड्राइव में रफली भी मेंशन भी किया है, वो अपने लिए वो थोड़ा सा लिख दिया था रफली, तो वो मेरे पास है, मैं लिख दूंगा बेटू के लिए। B1 के लिए भी सेट मिल गया है, 4 का सेट मिल गया है। अश्वनी थोड़ा कोशिश करना कि देखना कि और कोई सेट मिल जाए तो ठीक है, बाकी आप लोग के पास भी देखना किसी के पास भी तीसरा सेट, दूसरा सेट या पहला सेट, इन मतलब कि 2022 के सेट, 2022 के सेट किसी के पास भी होगा तो आप ग्रुप में डालना, ताकि मैं ड्राइव में अपलोड कर लूंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन सॉल्व करना ही है आपको, प्रैक्टिस करना है तो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। यस सर, यस सर। 4 वाला सेट तो है, 2022 का चौथा सेट अभी जस्ट हुआ है जो एग्जाम, चाहे ऑन डिमांड का हो 22 का, चाहे कोई भी सेट हो, और अभी भी जो पेपर हो रही है ऑन डिमांड की, अगर आप में कोई भी जाता है देने तो आप कोशिश यही करना कि आप उनसे पूछ लो क्वेश्चन, ठीक है। और अगर ग्रुप में भी आता है, अब भी लोग काफी ग्रुप में होंगे, ग्रुप में भी आता है तो क्वेश्चन को फॉरवर्ड कर दो सीधा ग्रुप में, अगर प्रीवियस ईयर की बात होती है, बाकी कुछ भी नहीं फॉरवर्ड करना है। और एक जरूरी बात, जो भी मेरे स्टूडेंट होंगे मतलब कि आप मेरे क्लास के हो, तो आप लोग ग्रुप में जो क्वेश्चन है वो इधर उधर डिस्कस नहीं करोगे, समझ रहे हो। आपको जितना भी डिस्कशन करना है वो मेरे ग्रुप में ही करना है, आप इधर से बाहर क्वेश्चन करोगे नहीं। आपका कोई फ्रेंड हो, आपको लगता है कि वो अच्छा आंसर देता है और वो उसका प्रिपरेशन अच्छा है, तो उससे पूछ लेना, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन अदर ग्रुप में मत जाना, क्योंकि वहां पे आपको पता नहीं है, वो लोग जानते हो ना आपको, अच्छे आंसर आते हुए भी आपको गलत आंसर नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि तुक्केबाजी में वो मार रहे होते हैं आंसर, तो वहां से आप ना गलत क्वेश्चन पढ़ने की वजह से आप काफी गलत कर देते हो। मैं सही हूँ क्या इस बात से, हुआ है ऐसा? यस सर। आप सही चीज पढ़ के जाते हो पेपर में, लेकिन लास्ट टाइम में आप गलती ये कर देते हो कि आप ग्रुप देख लेते हो, और ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्कस हुआ होता है, अब वहां पे आपका परसेप्शन बिगड़ जाता है, क्योंकि आपने सही पढ़ा होता है, लेकिन जब पेपर में बैठते हो तो पता चलता है कि अब वो चीजें ज्यादा चलती है, क्योंकि जो रिसेंट में देखोगे वही चलेगा आपके दिमाग में, समझ रहे हो। जो आप पढ़े होगे वो भूल जाओगे, इसलिए ये गलती कभी मत करना, पेपर से एक दिन पहले ग्रुप देखने वाला काम तो कभी करना ही मत, कभी मत करना। यस सर। क्योंकि जो रिसेंट में देखते हो वही दिमाग में चलती है, और वही ज्यादा आपका दिमाग जो होता है रिकॉल कर पाता है एग्जामिनेशन में, तो आप कंफर्म वहां पकड़ जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो भी डिस्कशन करना इस ग्रुप में करना, क्योंकि यहाँ पे हर एक लड़का अगर क्वेश्चन भेजेगा तो ठीक है, अगर मैं वेरीफाई कर देता हूँ आंसर तो सही है, अगर मैं मानता हूँ कि हाँ रेफरेंस दे दो तो बढ़िया है, और खास करके लोग यही कोशिश करेंगे कि जो आंसर देंगे वो रेफरेंस भी देंगे, अगर कोई नहीं भी देता है तो अगर मैं कहता हूँ सही है ये, तो आप आराम से उसे याद करो, ठीक है ना। मैं क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तो उसको देख के रहना, ठीक है ना। ये कुछ बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे इस पे। यस सर। इंटरनल रेंचिंग में ये चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे जो बोल्ट होता है ना, जो मिलिट्री स्टैंडर्ड 20004 है या फिर 20024 है, NAS 495 है, ये जो बोल्ट बना होता है हाई स्ट्रेंथ स्टील का बना होता है, और ये टेंशन और सीयर एप्लीकेशन दोनों के लिए ये भी यूज हो सकता है, क्योंकि बोल्ट जो भी हम लोग मोस्टली बनाते हैं ना, वो हर एक बोल्ट टेंशन और सीयर के लिए ही बनाते हैं, लेकिन रिबिट एक्चुअली किस लिए क्या होता है बता सकते हो आप लोग? रिबिट अश्वनी बता सकते हो? शेयर लोड के लिए, शेयर लोड के लिए। ये सही है आपका आंसर, रिबिट जो होता है मोस्टली वो सीयर लोड को ही कैरी करता है, ऐसा नहीं वो टेंशन नहीं कर सकता है, कर सकता है, बहुत मिनिमम है उसका, टेंशन के पर्पज से हम बनाते ही नहीं है वहां पे, हम शेयर लोड को ही कैरी करना है रिबिट में, ठीक है। लेकिन बोल्ट आपका टेंशन और शेयर दोनों ही कैरी करेगा, साथ साथ में लेके चलता है, ठीक है। तो इस वाले इंटरनल रेंचिंग में हो गया जितना आपको करना था, ये सब बेवजह का है,
मैं हर एक क्लास में पढ़ाया हूँ, कभी क्वेश्चन नहीं आया है और बकवास है, मतलब समझो सही नहीं है, कुछ काम के नहीं वाले पॉइंट, तो इसको छोड़ना है, आपको पढ़ना ही नहीं है। यहाँ पे कुछ लाइन है वो मैं बता दूंगा इस बोल्ट में, ये स्पेशल मैंने आपको बताया ना कि ये जो बोल्ट है ये हाई स्ट्रेंथ स्टील का बना होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है इस बोल्ट की, तो जहां भी आपको ज्यादा से ज्यादा टेंशन और सेयर एप्लीकेशन के लिए यूज करना है वो यहाँ हम इस बोल्ट को यूज कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ इसके पास अच्छा है। इस बोल्ट के केस में एक बात है कि स्पेशल हाई स्ट्रेंथ नट्स आर यूज्ड ऑन दिस बोल्ट। सर इसका ये नंबर नहीं पूछा है क्या, एमएस नंबर? इसका नंबर मैंने देखा प्रीवियस में, मैंने किसी भी प्रीवियस में नहीं देखा, ना B1 में B2 में, अभी तक नहीं देखा है, अभी तक मैंने नहीं देखा, ठीक है। लेकिन याद करना, याद करना, क्योंकि नया क्वेश्चन बना रहा है ना, तो क्वेश्चन याद करना नया वाला, लेकिन मैंने देखा नहीं है अभी ये, प्रीवियस में ये वाला नंबर ये नहीं आया, लेकिन याद करना है आपको ना, कर लेना। स्पेशल हाई स्ट्रेंथ नट, अब ये जो स्ट्रेंथ मतलब स्पेशल हाई स्ट्रेंथ स्टील का बना है, तो ये हाई स्ट्रेंथ नट भी यूज करोगे, अगर हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज कर नहीं रहे हो तो कंफर्म है कि वहां पर फिर डिसिमिलर मेटल वाली दिक्कत आ जाएगी, तो फिर वही लाइन है। स्टैंडर्ड AN हेक्स हेड बोल्ट एंड वॉशर कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर देम, दे डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। कह रहा है कि स्टैंडर्ड हेक्स हेड बोल्ट्स एंड वॉशर कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर देम एज दे डू नॉट हैव रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, रिप्लेसिंग एन इंटरनल रिटर्न बोल्ट विद अनदर इंटरनल रेंचिंग बोल्ट। हाँ, ये वाली लाइन याद रखना, इंटरनल रेंचिंग बोल्ट को रिप्लेस करना हो तो इंटरनल रेंचिंग बोल्ट से ही करते हैं, किसी भी इंटरनल रेंचिंग बोल्ट से रिप्लेस कर लोगे, डायमीटर सेम होनी चाहिए, अब लेंथ भी नहीं सेम होगा तो वैसे ही नहीं रिप्लेस कर पाओगे, तो लेंथ और डायमीटर तो देखना जरूरी है, वही चीज सबसे मेन है ना। सर फिर से बोलना, मैंने बताया कि जितने भी इंटरनल रेंचिंग बोल्ट हैं, ये लास्ट वाली लाइन छोड़ना, इसके किसी काम का नहीं है, जितने भी इंटरनल रेंचिंग बोल्ट हैं उनको अनदर इंटरनल रेंचिंग बोल्ट से रिप्लेस कर सकते हो। तो किसी भी बोल्ट को रिप्लेस करने का क्या प्रॉपर्टी है, मटेरियल थोड़ा समझ लो, अगर मतलब कि एनवायरमेंट मैटर करता है तो सोचो, वरना मत सोचो, ठीक है ना। तो क्या सोचोगे, दो चीज तो सोचना ही ना, सबसे पहले क्या, लेंथ और विड्थ, मतलब कि डायमीटर, समझ रहे हो, ये दो चीज तो कंसीडर ही करना पड़ेगा ना, मोस्टली हर एक बोल्ट के लिए। अगर आपने मॉडल 9 पढ़ा होगा तो विंडशील्ड वाला एक्सीडेंट हुआ था, BAC 111 वाला आपने देखा था, उसमें यही दिक्कत था, ब्रिटिश एयरवेज वाला, हाँ उस ब्रिटिश एयर वाला, उसमें क्या हुआ था, उन्होंने बोल्ट पतला यूज कर लिया था, लंबा भी था, लंबा भी था और पतला भी था, मतलब कि जो कंपेयर टू जो एक्चुअल बोल्ट चाहिए था, वो एक्चुअल बोल्ट से हाइट भी ज्यादा थी, मतलब कि लेंथ ज्यादा थी और डायमीटर भी कम थी, एक्चुअल था ही नहीं, इसलिए दिक्कत हुई, वो वेंट से उखड़ गई फिर जब प्रेशराइजेशन हुआ एयरक्राफ्ट का 18,000 फीट के आसपास। अब हम लोग आएंगे स्पेशल पर्पज बोल्ट पे, जिसमें क्लेविस है, आई बोल्ट है, जो बोल्ट है, फिर लॉक बोल्ट पे आएंगे। लॉक बोल्ट तीन तरह के होते हैं, जो बोल रहा था आपको कि पुल टाइप, स्टम टाइप, ब्लाइंड टाइप, ये होते हैं लॉक बोल्ट में। अब ये सारे स्पेशल पर्पज बोल्ट हैं, ठीक है ना। तो एक अभी मैं बता देता हूँ कुछ ट्रिक, ठीक है ना। यहाँ पे क्लेविस और आई बोल्ट कवर कर लेते हैं और बाकी कल के क्लास में देख लेंगे, जो बोल्ट वगैरह, ठीक है। तो इसको देखते हैं, देखो स्पेशल पर्पज बोल्ट में आपके क्लेविस, आई बोल्ट, जो बोल्ट हैं, लॉक बोल्ट में ही ये सब आते हैं, ठीक है। लॉक बोल्ट पूरस है आपका, लॉक बोल्ट में तीन तरह के बोल्ट हैं। तो स्पेशल पर्पज में कौन कौन से बोल्ट हो गए, क्लेविस, जो, आई और लॉक बोल्ट, याद रखोगे चार ही बोल्ट हैं स्पेशल पर्पज में। क्लेविस हो गया ये पहला, आई हो गया, जो बोल्ट हो गया और यहाँ पे एक लॉक बोल्ट है। इसके तीन तरह के आते हैं, तीन तरह के वो स्टाइल में, है ना। एक एक को देख लेते हैं ना, किसका क्या क्या पर्पज है। yes, sir. देखो क्लेविस, क्लेविस जो बोल्ट होता है ना, ये स्पेशली अभी जो इसमें क्वेश्चन है वो मैं बता दूं, ये पूछा क्या है, इसने पूछा है कि क्लेविस वाला जो बोल्ट है वो यूज कहाँ करते हैं। तो देखो क्लेविस लास्ट में ऐसा आता है ना, क्लेविस में देख रहे हो ना, आ रहा है ना, yes, S, क्लेविस, तो S का मीनिंग होता है सीयर। तो आप कह दोगे कि सर क्लेविस वाला तो सीयर एप्लीकेशन के लिए यूज होगा, इसलिए स्पेशल है, देख रहे हो ना, केवल ये सीयर के लिए होगी,
स्पेशल बनाई गई है। अगर केवल स्पेशली शेयर लोड को कैरी करना है तो ये क्लेविस बोल्ट यूज आप करोगे। तो इसलिए अगर आप ट्रिक याद रख लोगे कि लास्ट में एस आ रही है क्लेविस में, तो मीन्स ये शेयर है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन पूछा है बस यही पूछा है कि इसे यूज कहाँ गया है, तो आप ये साइड में लिख लेना कि एस मीन्स शेयर, आपको याद रहेगा कि यही वाला क्वेश्चन पूछा गया है। देखो लिखा है ना कि दिस बोल्ट टाइप यूज्ड ओनली वेयर शेयर लोड अकर्ड नेवर इंटेंशन, यही वाली लाइन पूछी गई है। इसका यूज आप पढ़ लेना अभी, मतलब कि ये तो पढ़ना है जो प्रीवियस है, बाकी अदर जो पॉइंट है उनको भी देखना है। इसको हम मैकेनिकल पिन की तरह भी यूज करते हैं कंट्रोल सिस्टम में, दो कंट्रोल रॉड को कनेक्ट करने के लिए मैकेनिकल पिन की तरह, कंट्रोल रॉड को, कंट्रोल केबल्स को, वहां पे टर्न बकल वगैरह में भी यूज कर लेते हैं लोग मैकेनिकल पिन की तरह, है ना, यूज कर लेते हैं। सर विदाउट ट्रैक्टर में, विदाउट ट्रैक्टर, ट्रैक्टर ट्रैक्टर में ट्राली देखते हो, यस सर, लगाया जाता है, यस सर। तो विदाउट बोल्ट यूज करते हैं कि विद बोल्ट यूज करते हैं सर इसको? विदाउट बोल्ट मतलब, सॉरी बोल्ट कर रहा हूं, सॉरी, मतलब विदाउट नट यूज करते हैं। अच्छा, यहां पे सर विदाउट, क्योंकि यहां पे इन्होंने बताया नहीं है नट के बारे में, तो मेरे ख्याल से नट नहीं है, कोई पिन ही होता है इनके पास, है ना, जिसे लॉक कर पाते हैं, है ना, क्योंकि यहां पे ये लोग नट की बात करते नहीं है, ठीक है। तभी तो ये शेयर एप्लीकेशन टाइप कर का है ना, ट्राली वगैरह में देखते हो ना, वो शेयर एप्लीकेशन के लिए ही होता है जो कनेक्ट करते हैं ट्राली को आपको, उसके अंदर हाई शेयर स्ट्रेंथ होती है इसका। तो द हेड ऑफ द क्लेविस इज राउंड, राउंड कलर का ही, मतलब राउंड हेड ही है, स्लॉटेड होता है, स्क्रू ड्राइवर से लॉक करते हैं इसको, ताकि स्क्रू ड्राइवर, देखो तो ये स्पेशल टाइप का, देख रहे हो ना, अब बोल्ट के लिए तो हमें क्या चाहिए होता है, रेंच चाहिए होता है, स्क्रू ड्राइवर तो हम स्क्रू के लिए यूज करते हैं, लेकिन अब ये देखो ये किस तरह का बोल्ट है, स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहे हैं। तो अब ये कुछ पॉइंट है, और कौन से स्क्रू ड्राइवर, क्रॉस पॉइंट वाला, क्रॉस पॉइंट वाला मतलब ये वाला, ठीक है, क्रॉस, क्रॉस वाला समझ रहे हो, ये जिसमें चार दांत होते हैं ऐसे, yes, स्क्रू ड्राइवर देखे हो, yes, sir, वो है, तो वो वाला स्क्रू ड्राइवर यूज कर लेते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन है वो तो बस इतना पूछा है कि ये शेयर लोड में यूज होता है, कहाँ यूज होता है, अब बता देना। अब आते हैं आई बोल्ट में। अब देखो आई बोल्ट का जो क्वेश्चन था ना, मेरे से गलत हो गया था, ठीक है, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजें पे कभी कभी आप फंस जाते हो, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे से गलत था, मेरे भी पेपर में था ये, ठीक है। मैं बताता हूँ वो क्वेश्चन क्या था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था आई बोल्ट। तो देख रहे हो आई बोल्ट को हमेशा आई और बोल्ट को एकदम चिपका चिपका के लिखा होता है, हर जगह आपको मिलेगा इस तरह से। तो आप याद रखना कि आई बोल्ट में लास्ट में टी आता है, तो टी मीन्स टेंशन, टेंशन, यस सर। और ट्रिक, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो बस इतना याद रखना कि क्लेविस का जस्ट उल्टा ही तो है, क्लेविस में क्या है, सीयर है, तो आई बोल्ट में टी होगा, बस ये याद रख सकते हो कि अगर क्लेविस में सीयर है तो आई बोल्ट वाला टेंशन वाला होगा, जो बोल्ट में ऐसी कोई बातें ही नहीं है कि स्पेशली टेंशन के लिए है या फिर स्पेशली आपको टेंशन सीयर के लिए है, इसमें कोई बात नहीं है, तो कंफर्म है क्लेविस और आई बोल्ट बस। तो क्लेविस वाला तो ट्रिक आपको पता ही है, कंफर्म है सीयर है, तो आई बोल्ट टेंशन के लिए होगा। अब जो क्वेश्चन आया था मेरे में ना, वो मैं बता देता हूँ, एक्सटर्नल टेंशन लोड अप्लाइड, तो यहाँ पे वो टेंशन लिखना छोड़ दिया था, कह रहा था कि एक ऐसा स्पेशल पर्पज बोल्ट है जिसमें एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं, अब मैं यही पे फंस गया, समझ रहे हो ना, अगर ये टेंशन वाली पॉइंट हटा दे तो फंस जाएगा ना कोई भी, तो बस मैं यही फंस गया था, फिर मैं समझ गया कि डीसी ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है, लेकिन मेरा ये मुझे फेल होना नहीं था, ठीक है, तो निकल तो गया ही, ये चीज है, आप देख रहे हो इतना छोटी छोटी वेरिएशन कर देता है डीसी आपको हंसाने के लिए, उनको बनाना ही है इस तरह से क्वेश्चन। अब डायरेक्ट बोलता कि ये किस पर्पज से बनाई गई है, तो आप कह देते कि ये टेंशन लोड के लिए है, ठीक है, इसको याद रखना। अब इसका यूज याद रखना, ये वाला लिख लेना, एम में आया है, चाहे आप बी वन के हो, बी टू के हो, सब मार्क करोगे, क्योंकि आपके पेपर में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका भी यूज आप याद रख लेना कि टर्न बकल्स में यूज कर लेते हैं, क्लेविस में, केबल साइकिल में, जब हथकड़ी होते रहे, मतलब केबल की साइकिल हो, पकड़ने वाली, कैच करने वाली, ज्वाइंट हो, वहां भी यूज कर लेते हैं, थ्रेडेड एंड भी होता है इसमें, या फिर अगर इस बोल्ट का एंड थ्रेडेड होगा तो उसको ड्रिल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, अगर सेफ टाइम करना है तो ड्रिल कर लो, नहीं सेफ टाइम करना है तो मत करो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
तो ये चीज आपको याद रखना है इस बोर्ड में। आगे बढ़ें। यस सर। ठीक है, अब आते हैं जो बोर्ड पे। अब ये पूरा अलग पर्पज से है, पूरा ही अलग पर्पज। ये जो बोल्ट नहीं है, पहले तो आप ये समझ लो, इसका नाम है, ये बोल्ट की तरह दिखता है लेकिन ये बोल्ट नहीं है। एक्चुअली ये है रिबिट, ये थ्री पीसेस रिबिट है। तो आप ये याद रख लोगे, इसका ट्रेड नेम है बोल्ट। ट्रेड नेम समझे हो, व्यापारिक नाम, मार्केट में जिस नाम से आता है ये, वो ट्रेड नेम है। yes, तो ट्रेड नेम इसका है जो बोल्ट, लेकिन ये एक्चुअली ये क्या है, इंटरनली थ्रेडेड थ्री पीस रिबिट होता है ये। ये एक रिबिट है लेकिन इंटरनली इसको थ्रेड बनाई गई है, इंटरनल में इस तरह का ये रिबिट है। लेकिन इसके तीन पार्ट है, थ्री पीस रिबिट मतलब कि तीन पार्ट है इस बोल्ट के। अब ये पार्ट आपको याद रखना है, थ्रेडेड स्टील अलॉय बोल्ट, थ्रेडेड स्टील नट एंड अ स्लीव, एक्सपेंडेबल स्टेनलेस स्टील स्लीव ये होता है। और ये पहले से असेंबल करके आता है, ऐसा नहीं है कि आपको एक एक पार्ट आएगा, नहीं, वो असेंबल करके ही आता है। ठीक है, अब देखो, अब इस वाले बोल्ट की जब भी फॉर्मेशन करनी है, मतलब कि ऑपरेशन किस तरह से, वो बिल्कुल पढ़ना नहीं है। कई सारे बोल्ट है, जैसे अभी ब्लाइंड नट, पुल स्टैम नट, इस तरह के नट्स आएंगे, ठीक है, बोल्ट आएंगे सॉरी। तो वो जो बोल्ट हैं उनके ऑपरेशन नहीं पढ़ने हैं, कुछ नट्स भी हैं, ठीक है, उनके भी ऑपरेशंस नहीं पढ़ने हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो ऑपरेशंस पे बिल्कुल नहीं जाओगे, इसलिए मैं यहाँ से यहाँ तक छोड़ दूंगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये वाली लाइन, क्योंकि ये कभी पूछी नहीं जाती है ऑपरेशन ऑफ बोल्ट। आपको बस टाइप ऑफ बोल्ट, और मेरे तो पूछोगे सर ये बोल्ट आया है क्या, तो आया ही नहीं है, तो जरूरत क्या है पढ़ने को। तो आप मोस्ट वाला वही एरिया देख लो कि जो आ सकता है, क्योंकि जो आने वाला है नहीं उनपे तो हम देखेंगे नहीं। और ऑपरेशन कभी पूछेगा नहीं, कंफर्म कभी नहीं पूछा है, कभी बोल्ट से ऑपरेशन नहीं पूछेगा। जो इम्पोर्टेंट बोल्ट है उनके पास ऑलरेडी इतने सारे बोल्ट हैं, पूरा पूछो, भंडारा है पूरा, है ना, कमी है ही नहीं बोल्ट की पूछने की। तो ये वाला चार लाइन छोड़ दोगे। अब इसमें याद क्या देखोगे उसको देखो, पहला तो हमने बताया आप मार्क करोगे इसमें जो पढ़ना है, ये वाला थोड़ा सा याद रखना कि ये एक थ्री प्रीसेस रिबिट की तरह ही है। ठीक है, और इसके ये पार्ट है, तीन पार्ट है, याद रखोगे। ये जो बोल्ट होता है हाई शेयर और टेंशन के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये वहां पे यूज होता है जहां पे ब्लाइंड फास्टनर्स यूज नहीं हो पाता है, ब्लाइंड फास्टनर्स यूज नहीं होते हैं, ब्लाइंड फास्टनर्स रिबिट, ब्लाइंड रिबिट्स, जहां पे ब्लाइंड रिबिट्स, ब्लाइंड बोल्ट भी है जो बोल्ट में है। ठीक है, जस्ट नीचे देखो यहाँ पे ब्लाइंड टाइप, ये चाहे ये ब्लाइंड टाइप बोल्ट हो या रिबिट, रिबिट दो तरह का होता है, सॉलिड रिबिट एक ब्लाइंड रिबिट। तो जहां ब्लाइंड रिबिट या फिर ब्लाइंड बोल्ट यूज ना हो वहां पे इस बोल्ट का यूज कर लेते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे ब्लाइंड वाला इसलिए हम उसे कहते हैं कि दूसरी साइड एक्सिस की जरूरत नहीं है इंस्टॉलेशन के लिए। अच्छा, बोल्ट को इंस्टॉल करना है तो दूसरे साइड एक्सिस चाहिए ना नट को टर्न करने के लिए, नहीं तो इंस्टॉल कैसे करोगे, चाहिए ना एक्सिस। लेकिन ये जहां पे एक्सेस, हाँ, लेकिन एक रिबिट ऐसा होता है जो ब्लाइंड रिबिट, वहां पे एक्सेस चाहिए ही नहीं, वहां पे जो रिबिटिंग गन होती है उसी से ही आप लॉक कर देते हैं बोल्ट को। रिबिटिंग गन सुना है आप लोगों ने, आपने देखा भी होगा, ऐसे लगा देते हैं लोग ट्रेन में जनरली आप देख लोगे, और जो फर्नीचर वगैरह घर में बाहर है उसमें भी रिबिट होते हैं। तो वो क्या है, वो अंदर वाले साइड में ऑटोमेटिकली बन गया होता है हेड, वो इसी तरह से डिजाइन में है। सर्च करके यूट्यूब पे देखना सब कोई, रिबिटिंग गन कैसा है ऑपरेशन समझने के लिए, तो वो किस तरह से लॉक कर देता है पीछे से भी, वो रिबिट बन, मतलब वो हेड बन जाती है। ठीक है, तो अब ये रिबिटिंग वाले, मतलब ये जो ब्लाइंड फास्टनर्स है ना, जहाँ पे वो नहीं यूज हो पा रहे वहां इनका यूज हम कर सकते हैं आराम से। तो मेरे ख्याल से ये वाला लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानना चाहेंगे आपको, ठीक है ना, कंपेरिजन करने के लिए। अब इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से लगता है वो ये है, ये परमानेंट स्ट्रक्चर में यूज होता है। ठीक है, और जो बोल्ट जितने हैं वो भी सारे परमानेंट स्ट्रक्चर में ही हैं, मींस जो बोल्ट और लॉक बोल्ट। ये जो लॉक बोल्ट है ना, ये साइड वाला, इसके तीन स्टाइल हैं और तीनों ही परमानेंट स्ट्रक्चर ही देता है, मतलब कि परमानेंट इंस्टॉलेशन देगा। जैसे रिबिट क्या देता है, परमानेंट इंस्टॉलेशन देता है, उसी तरह से लॉक बोल्ट और ये जो बोल्ट है ये भी परमानेंट इंस्टॉलेशन देगा। और जहाँ पे हाई क्या है, हाई कहने हाई वाइब्रेशन है, वहां पे इसको आराम से यूज करो,
वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं इसका कुछ बिगाड़ सकता, ठीक है। तो जहां पे हाई वाइब्रेशन है और परमानेंट इंस्टॉलेशन चाहिए, इस बोल्ट को आप स्पेशल यूज कर सकते हो। तो देख रहे हो ना कितना स्पेशल स्पेशल पर्पज है, अलग अलग पर्पज से बनाए गए हैं, डिजाइन दिए गए हैं और यूज कर रहे हैं। आपने यूज समझा कि हाई स्ट्रेंथ सियर हो, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, वहां यूज कर सकते हैं। किन की जगह पे यूज कर सकते हैं, जहां पे ब्लाइंड फास्टनर्स नहीं यूज हो पाएंगे वहां यूज कर लेंगे। और दूसरी बड़ी चीज है कि ये परमानेंट स्ट्रक्चर में यूज होता है लेट मॉडल एयरक्राफ्ट। लेट मॉडल मतलब अब जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं उनमें परमानेंट स्ट्रक्चर में इसे यूज कर लेते हैं। और ये बोल्ट वहां यूज करते हैं जहां पे रिप्लेसमेंट और सर्विसिंग नहीं चाहिए, तभी तो परमानेंट होगा, समझ रहे हो। जहां पे सर्विसिंग वगैरह चाहिए वहां यूज कर लोगे तो बोल्ट को तोड़ना पड़ जाएगा, समझ पा रहे हो ना ये लाइन। यस सर ठीक है। अदर एडवांटेज, जो बोल्ट यूजिंग एक्स सर ये वन टाइम यूज कर ही रहते हैं ना, मतलब ना ये सब खराब हो जाते हैं, हां तोड़ना ही पड़ता है एक बार यूज किया अगर, आफ्टर उसको रिमूवल करना पड़ेगा टोटल। लेकिन कुछ जगह कुछ ऐसे ही है जो नट है ना वो यूज हो जाते हैं दोबारा भी, जो नट है बोल्ट वाले तो तोड़ना पड़ जाता है, इनको काटना पड़ जाता है, लेकिन सारे बोल्ट नहीं है इसमें। जो लॉकिंग होता है ना इन बोल्ट में, लॉकिंग जो स्लीव है उनको काट लो, बोल्ट पूरी नहीं खराब होती है, बस स्लीव खराब होती है। यहाँ पे है ना एक्सपेंडेबल, ये जो स्लीव ये लॉकिंग देता है। अभी मैं आपको बता दूं, आप पूछोगे कि सर ये किस तरह से, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसी तरह से इसमें भी एक स्लीव होती है जो पूरी नट को ऐसे कवर कर देती है, उस स्लीव को काट दो बोल्ट खुल जाएगी, तो बस स्लीव चेंज करना पड़ता है आपको। उसी तरह से कुछ नट है जो परमानेंट वाले नट है, स्पेशल पर्पज में नट में भी है कुछ, उन नट्स में भी यही है, बस स्लीव काट लो काम कर लेगा, समझ रहे हो मेरी बात। हाईली और ये हाईली रेजिस्टेंस टू वाइब्रेशन है, मतलब कि जहां पे वाइब्रेशन ज्यादा है वहां यूज कर लोगे। वेट सेविंग है, बहुत हल्का होता है और फास्ट इंस्टॉलेशन बाय 1%, 1% में तो इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि ये भी ब्लाइंड की तरह ही तो है, इसीलिए तो रिबिट कहा गया, थ्री पीसेस रिबिट ब्लाइंड की तरह ही है, दो लोगों की जरूरत नहीं है और दूसरे साइड में एक्सेस की भी नीड नहीं है, आराम से इंस्टॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली ऐसे बोल्ट में हम लोग स्लीव ही काटते हैं, ठीक है। स्लीव काट लोगे ये बोल्ट काम कर जाएगा, जैसे ये बोल्ट देख लो, ठीक है ना। इसमें जो स्लीव है ये है, इसमें जो स्लीव है ये है, बस इनको काट दिया जाता है, हेक्सा होती है, हेक्सा से काट लो ये बोल्ट अलग हो जाए, तो ये बोल्ट थोड़ी पूरा खराब होगा, क्योंकि एक असेंबली नहीं है ना, समझ रहे हो ना, इसके पार्ट है, तो वो स्लिप बस खराब हो जाएगी। और स्लिप देता क्या है, यही लॉकिंग देता है, जिस तरह से नट लॉकिंग देता है, तो नट को हमें काटना नहीं पड़ता है ना, हम नट को खोल लेते हैं, यही तो करते हैं। यहाँ पे ये स्लिप को खोलना नहीं पड़ेगा, इनको काटना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से ये बनाए ही जाते हैं। जब ये लॉक होते हैं तो ये एक्सपेंड होता है स्लिप, और ये पूरा कवर करता है इसको, ठीक है ना। कुछ डिफाइंड एरिया होती है जहाँ पे वो कवर कर लेगा बोल्ट को, इसकी वजह से लॉक दे देता है, वो लॉकिंग प्रोवाइड करता है। तो स्लीप को बस आप काट लो, फ्री हो जाएगा बोल्ट आराम से, ठीक है। इतना था। अब B1 के जो स्टूडेंट है उनके लिए खराब बात यह है कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और ये एरिया मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है। ये जो बोल्ट होता है ना वो चार तरह के डायमेंशन में आता है, डायमीटर में आता है, 200 सीरीज, 260 सीरीज, 312 सीरीज, 375 सीरीज। और ये जो बोल्ट तीन तरह के हेड स्टाइल में भी आता है, प्लस पी और प्लस मलिएबल। इनके बारे में कुछ भी इन्होंने बताया नहीं, मतलब कि बस नाम रखना है आपको, तो ये सीरीज नाम याद रख लेना। इंच वाला आप अगर पूछ ले यार तो फंस जाओगे सच में, तो लेकिन मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि याद करना इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन आ गया तो वो मैटर नहीं करता, उसको छोड़ ही दो, तुक्के लग गए तो सही है, लेकिन ये सीरीज नेम आप याद रख लेना, 200, 260, 312, 375, ताकि आप सीरीज तो सही कर लोगे। और अगर पूछ लेगा कितने हेड स्टाइल में आता है, तो आप बता दोगे कि प्लस पी, मतलब कि प्लस में और हेक्स हेड में और प्लस मेलेबल में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, कंफर्म करो। क्योंकि जब मैं कर रहा था ना तो मुझे क्वेश्चन मिला था, तो मैंने सोचा कि इसको ढूंढते रह रहे थे हम लोग, लेकिन आंसर मुझे पता चला, यहाँ से मुझे मिल गया था आंसर, तो हमने छोड़ा, कह रहे चलो B1 का है, क्या करना है।
कौन सा याद करना है, तो हमने नहीं याद करा था क्योंकि बीटूबी तो नहीं आएगा इतना डेप्थ में, या फिर इतने तरह के एरिया या इंचेस वगैरह नहीं जाता है, लेकिन आप में कंफर्म है ये इंचेस पूछ सकता है कि वो जरूर उठा के ये दे सकता है कि 260 वाला जो बोल्ट है उसका इंच बताओ। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि इंच बिल्कुल मत पढ़ लेना, एक बार देख लेना जब रिवीजन कर रहे हो, मतलब कि जब आप एग्जाम में नहीं जा रहे हो ना अभी, अभी पढ़ लो ठीक है, जब दोबारा रिवीजन करोगे तब पढ़ लो, लेकिन जब एग्जाम में जाना उस समय मत पढ़ना, उस समय तो जो डिफाइंड एरिया मैं आपको बताऊंगा वही करके जाना एग्जाम में। और मैं एक्चुअली एग्जाम में आपको बताऊंगा कि एग्जाम के समय में एक्चुअली क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट, अभी तो काफी सारे इंपॉर्टेंट में हम लोग लिखते हैं ना, और काफी सारे हम कह रहे हैं ना कि ये वाला पॉइंट पढ़ लो ये इंपॉर्टेंट है, उन एरिया को भी हटाना है, उनको एग्जाम में नहीं पढ़ना है, उनको अभी इस बुक को जब रिवीजन करोगे तो बस तभी तक पढ़ना है, एग्जाम के टाइम जब 10-15 दिन होगा उसमें उसको नहीं देखना है उतना। इसलिए आप कोशिश करोगे कि जब आप इस बुक को रिवीजन करोगे उसमें ही वो पॉइंट देखोगे ठीक है। बाकी आज के लिए इतना रखेंगे, कल में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया बोल्ट है जो लॉक बोल्ट है ठीक है, और ये बड़ा स्पेशल टाइप का बोल्ट है क्योंकि ये नट और बोल्ट मतलब नट एंड रिबिट ये दोनों तरह की प्रॉपर्टी लेके चल रहा होता है ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिखा है यहाँ पे ये वाला लॉक बोल्ट कंबाइन द फीचर ऑफ हाई स्ट्रेंथ बोल्ट एंड रिबिट बट इट हैज एडवांटेज ओवर बोथ, मतलब कि दोनों की कंबाइंड फीचर है लेकिन इन दोनों से भी परफेक्ट है। इसके बारे में बात कर लेंगे ठीक है, इसमें से आपका एक बोल्ट आता है स्टम टाइप पुल टाइप वाला, अभी बी2 में तो कुछ भी नहीं आया है इन वाले पेपर से, ये वाला एरिया से थोड़ा सा क्वेश्चन है मैं बताऊंगा, फिर हम लोग नट पे आ जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं ठीक है। कोई भी डाउट होगा पूछ लेना ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस सर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट।